जो शादी एक सौदा थी, जिस शादी को ईशानी छोड़कर जा सकती थी, उस मंडप में ईशानी ने अकेले फेरे लिए। आखिर क्यों? आइए सुनते हैं ईशानी की पूरी कहानी। मिस्टर विराज ओब्रॉय, आप मेरे बहुत करीब हैं। मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, प्लीज आप बुलाकर जाइए। ईशानी ने सोचा कि वो अपने एक दिन के बॉस को ये सारी बातें बोल दे, लेकिन वो कह नहीं पाई क्योंकि ईशानी एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट थी और उसने अपने काम के पहले दिन ही दिल्ली शहर में जाने माने यंग बिजनेसमैन विराज ओब्रॉय की शर्ट को गलती से हेयर स्ट्रेटनर से जला दिया था। जनरली उससे ऐसी गलतियां होती नहीं है, लेकिन आज यहाँ आने से पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। गुस्से में विराज ओब्रॉय अपनी चेयर से उठकर ईशानी के बहुत पास आ गया और ईशानी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गोरा रंग और 6 फीट की हाइट के साथ साथ विराज की जिम वाली बॉडी शहर की हर लड़की को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन विराज ओब्रॉय के इतने करीब होने के बाद भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विराज ने कहा, मिस ईशानी, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अब केवल 15 मिनट बचे हैं मुझे इवेंट के लिए रेडी करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विराज ऐसा कहकर अपनी चेयर पर दोबारा बैठ गया और अपने बाल संवारने लगा। 5 फुट 6 इंच की छोटी सी ईशानी ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा, मैंने ओब्रॉय इंडस्ट्री के सीईओ की शर्ट खराब कर दी और ये मुझसे नाराज नहीं हुआ। सुना तो था कि छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं करता, ये मुझे सेकंड चांस क्यों दे रहा है। ईशानी जब विराज की ओर देखते हुए अपनी बातों में खोई, तभी विराज ने दोबारा कहा, मिस ईशानी, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम अपने काम पर फोकस रखो। मैं अपना एक बड़ा सा पोस्टर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, उसे देखती रहना। विराज के तानों की वजह से ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आई और गले से स्कार्फ को निकालकर अपने काम में लग गई। 15 की जगह 10 मिनट के अंदर ईशानी ने विराज को पूरी तरह से रेडी कर दिया। ऑल डन मिस्टर ओब्रॉय, मिस्टर ओब्रॉय। ईशानी के कई बार बोलने के बाद भी जब विराज ने जवाब नहीं दिया तो ईशानी की नजर विराज की आंखों पर गई, जो लगातार ईशानी के गले को देख रही थी। ईशानी के सुराही जैसे गर्दन के नीचे बने कॉलर बोन के गड्ढे के बीचों बीच एक बर्थ मार्क था, जिसे देखकर विराज सोच में पड़ गया था और उसने धीरे से कहा, ये बर्थ मार्क, ये तो। तभी ईशानी ने विराज को टोकते हुए कहा, सर, आपने कुछ कहा? विराज ने ईशानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार उस बर्थ मार्क को घूरता रहा। वो भूल गया था कि ईशानी एक दिन के लिए उसकी स्टाइलिस्ट की जगह पर काम करने आई है, क्योंकि उसकी 3 साल पुरानी स्टाइलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी ईशानी ने स्कार्फ से तुरंत अपने गले को ढकते हुए कहा, मिस्टर ओब्रॉय, आप इवेंट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ईशानी ने जैसे ही स्कार्फ से अपने गले को ढका, वैसे ही विराज की नजरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो अपने होश में आ गया। विराज ने जब खुद को मिरर में देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुआ। सच में ईशानी के हाथों में जादू था। गुड मिस ईशानी, काम तो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन गलतियाँ भी बड़ी बड़ी करती हो। विराज ईशानी को सुनाकर इवेंट के लिए जाने लगा। तभी ईशानी ने पीछे से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन गुस्से में विराज के कदम वहीं रुक गए। मिस्टर ओब्रॉय, अगर आप मुझे अपने दोनों खराब शर्ट का प्राइस बता देते तो मैं आपका कर्ज चुका देती। विराज ईशानी की इस बात पर आग बबूला हो गया, क्योंकि ईशानी ने विराज के ईगो को हर्ट कर दिया था। उसने गुस्से में ईशानी की बाह पकड़ते हुए कहा, मिस ईशानी मेहता, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं चाहूँ तो ऐसे 1000 शर्ट खरीद के डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और साथ में तुम्हारा करियर भी। ईशानी विराज का ये रूप देखकर एक पल को डर गई, लेकिन उस डर को ईशानी ने अपने दिल में दबाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओब्रॉय, मैं आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन शर्ट मेरी वजह से खराब हुई है तो मैंने सोचा कि मैं। ईशानी की खुददारी देखकर विराज अचानक शांत हो गया और कुछ सोचने के बाद अपनी डेविल वाली स्माइल के साथ बोला, मिस ईशानी, क्या तुम्हें पता है इन 2 शर्ट्स के प्राइस क्या है? 12 लाख रुपए। शर्ट के प्राइस सुनकर ईशानी ने हकलाते हुए कहा,
मिस्टर ओबरॉय, मैं सिर्फ दो शर्ट के प्राइस पूछ रही हूँ, ना कि आपके सभी शर्टों के। ईशानी की बातों पर उसे नीचा दिखाने वाली हंसी के साथ विराज ने कहा, मैंने दो शर्ट के ही प्राइस बताए हैं, बहुत ज्यादा है ना। तुम चाहो तो एक तरीका है जिससे तुम अपना कर्ज उतार सकती हो। ईशानी ने डरते हुए पूछा, कैसे मिस्टर ओबरॉय? बस एक रात का सौदा और तुम्हारे सभी कर्ज माफ। विराज के मुंह से अपने लिए ऐसे वर्ड सुनकर ईशानी काफी घबरा गई। जिसे अभी कुछ देर पहले उसने कच्चा इंसान समझ लिया था, वो फिर से उसकी नजरों में गलत हो गया था। मिस्टर ओबरॉय, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने शरीर का सौदा करे। एक बार और सोच लो ईशानी, लाखों का कर्ज या सिर्फ एक रात का सौदा, और सब सही। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही ईशानी का फोन बजा। फोन पर लिखे नाम को देखकर ईशानी घबरा गई और फोन उठाने के लिए वहां से बाहर निकल गई। तभी वहां विराज का मैनेजर आ गया। सर, आपने ईशानी मैम को क्लियर क्यों नहीं किया कि आपके एक रात का मतलब नेक्स्ट फ्राइडे नाइट को होने वाले नाइट इवेंट से है? आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या समझती है, मुझे इसके काम करने का तरीका पसंद आया, इसलिए मैंने उसे फ्राइडे नाइट इवेंट के लिए काम करने का ऑफर दिया था। लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने मुझे गलत समझकर अपने हाथ से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज खो दी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, भीड़ बेकाबू हो रही है, ऑडियंस आपकी एक झलक पाने के लिए बेचैन है, प्लीज जल्दी चलिए। मैनेजर के ऐसे कहते ही विराज तुरंत ही उसके साथ इवेंट के लिए मेकअप रूम से बाहर निकल गया। उधर ईशानी ने फोन उठाते ही घबराहट में पूछा, आंटी वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं कब से आपके फोन का वेट कर रही थी। ईशानी के इतने सारे सवालों के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक सिसकती आवाज के साथ जवाब आया, ईशानी बेटा, पुलिस वालों ने बोला है कि सिद्धार्थ के बचने की उम्मीद कम है, 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। ये खबर सुनते ही ईशानी के हाथ से फोन छूट गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे, उसकी सांसें थमने लगी। ईशानी एक जिंदा लाश जैसी ठंडी पड़ गई थी और चलते चलते वो बीच सड़क पर आ गई। तभी बारिश के बीच अचानक ही ईशानी चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, नहीं तुम नहीं मर सकते सिद्धार्थ, तुमने प्रॉमिस किया था कि आर्मी ऑफिसर बनने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे और अब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, कहाँ हो तुम सिद्धार्थ, प्लीज लौट आओ। ईशानी रोते समय जब खुद से बातें कर रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक कार ने ब्रेक मारा। ड्राइवर ने सही वक्त पे ब्रेक नहीं मारा होता तो ईशानी बच नहीं पाती। ईशानी ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन जब ईशानी ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसने देखा कि कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं विराज था, जो अपना इवेंट खत्म करके घर के लिए निकल रहा था। विराज गुस्से में कार से नीचे उतरा और ईशानी पर चिल्लाया, ईशानी मेहता, अब क्या हुआ तुम्हें? 12 लाख के कर्ज में दबकर आत्महत्या करने चली थी क्या? बिल्ली की तरह मेरा रास्ता क्यों काटती रहती हो? सिद्धार्थ के न मिलने की खबर सुनकर ईशानी अपने होश खो बैठी थी। वो बस इतना बोल पाई, वो सिद्धार्थ। इतना कहते ही ईशानी बेहोश हो गई। विराज ने ईशानी को उसके कंधों से उठाकर कहा, ईशानी ईशानी तुम ठीक हो? विराज ने जब देखा कि ईशानी बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई, तो विराज उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले गया। बेहोशी में भी उसकी आंखों में आंसू थे। ईशानी को इंजेक्शन लगा रहे डॉक्टर से जब विराज ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विराज, इस लड़की को किसी बात का गहरा सदमा लगा है, शायद इसने किसी अपने को खोया है। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इसे टाइम टाइम पर देते रहिएगा। बेड के पास खड़े होकर विराज लगातार ईशानी के कॉलर बोन पर बनी बर्थ मार्क को घूरे जा रहा था। वो एक बार ईशानी के उस बर्थ मार्क को छूना चाहता था। उसके हाथ ईशानी की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे, तभी बेहोश ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। विराज ईशानी की बातें सुनकर वहीं बैठ गया। तभी ईशानी ने फिर से कहा, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर सिद्धार्थ, तुम्हें नहीं जाना था, लौट आओ। सिद्धार्थ का नाम सुन विराज के एक्सप्रेशन बदल गए।
और वो तेजी से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब इंजेक्शन का असर कम हुआ तो ईशानी को होश आया। ईशानी खुद को अनजान जगह पर देखकर घबरा गई और तेजी में अपना हैंड बैग उठाकर वहीं से निकलने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो ईशानी? ईशानी विराज को सामने देख हैरान थी, लेकिन फिर उसे पिछली रात की बातें याद आ गई और वो बोली, थैंक यू मिस्टर ओबेरॉय मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। कैसे नहीं हेल्प करता तुम्हारी, तुम्हें अभी मेरे 12 लाख रुपए भी तो देने हैं। वैसे कब तक दे दोगी तुम मेरे 12 लाख रुपए? मिस्टर ओबेरॉय मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी, अभी मुझे घर जाना है। मिस ईशानी मेरा ऑफर अब भी वही है, अगर तुम चाहो तो बस आज की रात और सब। ये कहते हुए विराज ईशानी के बहुत करीब आ गया था। इतने की ईशानी बड़े आराम से विराज की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और जाने के लिए कहा। तभी विराज ने फिर पूछा, वैसे बेहोशी की हालत में तुम बार बार किसी को अपने पास बुला रही थी, कौन था वो खुश नसीब शख्स? विराज की बातें सुनकर ईशानी पूरी तरह से अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और वहां से निकलने लगी, लेकिन विराज ने ड्राइवर से ईशानी को उसके घर तक ड्रॉप करने को कहा। ईशानी जैसे ही अपने घर पहुंची, उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, ईशानी ये घर है कोई धर्मशाला नहीं, जहाँ तुम जब मन करेगा तब आओगी जाओगी। वो आवाज ईशानी के सौतेले दाद संजय मेहता की थी। मैं काम करने जाती हूँ ना कि आराम करने, और आपको तो अच्छे से पता होगा काम का मतलब, क्योंकि आपका काम तो ओबेरॉय खानदान की बदौलत चलता है। ईशानी के तानों के बीच एक प्यार भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी सगी माँ मालिनी मेहता की थी। अरे ईशानी बेटा, तुम्हारे डैड को तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए ऐसा बोल दिया। तो गुस्सा मत कर, बैठ आराम से, तुझसे कुछ बात करनी है। और आप भी ना, आपको पता है ना वो काम में कई बार लेट हो जाती है। ईशानी अपनी ही माँ के मुँह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर हैरान थी। वो समझ गई कि जरूर कोई बात है। ईशानी बेटा, तेरे लिए बहुत फायदे का सौदा है, हम चाहते हैं कि शीना की जिस लड़के से सगाई हुई थी उससे तू शादी कर ले। तुझे तो पता है शीना तो अभी बच्ची है, ओबेरॉय खानदान के तौर तरीके इतने स्ट्रिक्ट है कि वो दूसरे ही दिन भाग आएगी, लेकिन तू तो समझदार है, संभाल लेगी। मॉम आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। अरे लेकिन वो तो मिल नहीं रहा ना, और मिल नहीं रहा तो समझ लो अब नहीं रहा, मर ही गया होगा वो, मान मेरी बात, तू क्या जिंदगी भर उसका इंतजार करती रहेगी? हाँ मैं करूंगी उसका इंतजार, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। और आपको शर्म नहीं आती माँ, जिस ओबेरॉय खानदान ने हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया उन्हें धोखा देते हुए? अरे उन्हें कौन सा मतलब है, शादी कौन कर रहा है, उन्हें तो बस हमारे घर से एक बेटी चाहिए। ईशानी की मॉम अलग अलग तरीकों से ईशानी को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बहन शीना की जगह ये शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। उसने गुस्से में अपनी मॉम से कहा, सॉरी मॉम, आपके माइंड में जो ये बकवास ख्याल आ रहे हैं ना, ये निकाल दो, क्योंकि इस जन्म में तो आपकी ये विश पूरी नहीं हो पाएगी, और नेक्स्ट जन्म में मैं दोबारा आपको अपना मॉम और डैड मानने की गलती नहीं करूंगी। तो आप जबरदस्ती की ये शादी भूल जाइए और सिद्धार्थ जिंदा है। मालिनी तुम्हारी बेटी जब तक इस शादी के लिए मान नहीं जाती तब तक उसका घर से निकलना बंद कर दो। सीढ़ियों पर खड़ी ईशानी डैड की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी उसे अपनी सौतेली बहन शीना की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से झूठे आंसू बहाने का नाटक करते हुए अपने डैड और मॉम को बता रही थी कि वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। डैड मॉम मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, मेरी दोस्त ने मुझे बताया है कि वो उनका सगा बेटा नहीं है बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है, उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, बस ओबेरॉय खानदान ने उस पर एहसान करते हुए अपना सरनेम उसे दे दिया है। शीना के आंसू देखकर उसके डैड मॉम ऐसे पिघले जैसे कि शीना को जाने कितना बड़ा दुख हो गया हो। तभी शीना के आंसू पोंछते हुए उसकी मॉम मालिनी मेहता ने कहा, शीना बेटा तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम, मेरे होते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मंडप में तुम्हारी जगह ईशानी ही बैठेगी। यस मॉम उसे ही बिठा दो, वैसे भी ओबेरॉय खानदान को तो सिर्फ वारिस। शीना बेटा
दीवारों के भी कान होते हैं, जो बात दबी है उसे दबे ही रहने दो। सभी की बात सुनकर ईशानी को लगा कि वो अपने मॉम डैड या बहन के साथ नहीं बल्कि किसी बाजार में है जहाँ उसकी बोली लग रही है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये फैमिली ईशानी की है और उसकी बोली लगाने वाली उसकी सगी माँ है। ईशानी ने कमरे में घुसकर अपने रूम का दरवाजा बंद किया और कमरे में रखे रेडियो में लता मंगेशकर के गाने चलाकर जी भर के रोने लगी। ये गाने केवल उसकी सिसकियों को बाहर जाने से रोकने के लिए थे। ईशानी जी भर के रो नहीं पाई थी कि उसकी मॉम मालिनी मेहता वहाँ आ गई। रोनी धोने से कुछ नहीं होगा ईशानी, तुम अपने पागल भाई के बारे में सोचो जिसके इलाज के खर्च इतने हैं कि तुम पूरी लाइफ भी कमाओगी वो नहीं उठा पाओगी, लेकिन ओबेरॉय फैमिली तुम्हारे भाई का खर्च आसानी से उठा सकती है। और अब तो सिद्धार्थ भी मर गया है, ईशानी ने हैरानी भरे नजरों से मालिनी की ओर देखते हुए कहा। मॉम, सिद्धार्थ मरा नहीं है, बस गायब है, और मुझे यकीन है कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और वो सही सलामत घर आ जाएगा। लेकिन आपको ये सब पहले से पता था, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा। ईशानी बेटा, पैसा हर मर्ज की दवा है, वैसे भी वो सिद्धार्थ तेरे लायक नहीं है, अब जो सामने है उसे देखो। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती है, वो बचपन से आपके लिए हमेशा गिफ्ट लाया करता था, आपको अपनी मॉम की तरह प्यार करता था। बस ईशानी, बहुत हो गया उसके लिए तुम्हारा रोना धोना, अब अपने भाई के लिए जीना सीखो, जिसका अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो वो कभी सही नहीं हो पाएगा। तुम शादी के लिए नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई के इलाज का और खर्च नहीं उठा पाऊंगी। फिर वो दिल दिल कर अपने पागलपन की वजह से मरता रहेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। ऐसा कहते हुए मालिनी ईशानी के कमरे से बाहर चली गई। ईशानी चीखती रही लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उधर दिल्ली के सेक्टर 27 में ओबेरॉय मैंशन में एक सक्सेस पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में मौजूद थे। लाउड म्यूजिक के बीच सभी अपने हाथों में वाइन विस्की के ग्लास लिए झूम रहे थे। वहीं पास की टेबल पर बैठा ओबेरॉय खानदान का गोद लिया हुआ बेटा विवेक ओबेरॉय वाइन की हर एक सिप के साथ कुछ सोच रहा था। तभी किसी ने उसके हाथ से वाइन की ग्लास छीनते हुए कहा, आपने गलत जगह पर दाव खेला है बड़े भैया, मैं विराज ओबेरॉय हूँ, आपकी चाल में नहीं फंसूंगा। अरे विराज, तुम आओ, पहले एक एक ड्रिंक करते हैं फिर बातें करेंगे। विराज ने अपने बड़े भाई के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और सीधा कहा, मैं आपकी जगह शादी नहीं करूंगा, आपने शीना से एंगेजमेंट की है तो शादी भी आप ही करोगे। विराज, अगर मैं तुम्हें अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी दे दूं तो? जो पहले से ही मेरा है उसे क्या देंगे आप? और विराज ओबेरॉय हर एक मिनट में आपके जैसे हजारों प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है, अगर आपके पास कोई बेस्ट डील हो तो कॉल मी। विराज ये कहकर जाने लगा तभी विवेक ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिस लड़की को तुम सालों से ढूंढ रहे हो उसका पता सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर किस लड़की को ढूंढ रहा था विराज? क्या ईशानी अपने पागल भाई के लिए देगी अपनी खुशियों की बलि? जानने के लिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड। विराज को जब विवेक ने बताया कि वो उस लड़की का पता जानता है जिसे विराज ढूंढ रहा है तो उसके पैर वहीं जम गए और कुछ सोच में पड़ गया। लेकिन न जाने दूसरे ही पल में विराज को ऐसा क्या हुआ कि वो विवेक से कुछ कहे बिना वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ बारिश में भीगने की वजह से ईशानी का शरीर तप रहा था, फिर भी वो बेहोशी की हालत में सिद्धार्थ को लगातार कॉल किए जा रही थी। सिद्धार्थ का फोन 48 घंटे से नॉट रीचेबल आ रहा था। ईशानी फोन ट्राई करते करते सो गई। सुबह ईशानी की आंख एक फोन रिंग की वजह से खुल गई। उसने जब फोन की स्क्रीन पर सिद्धार्थ की मॉम का नंबर देखा तो झट से उठा लिया। हेलो आंटी, हेलो, मुझे बता था सिद्धार्थ मिल जाएगा, आप सभी फालतू में इतना डर रहे थे, कैसा है वो, उसे फोन दीजिए ना, मुझे उससे बहुत सारी लड़ाई करनी है। ईशानी के इतना बोलने के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक सिसकती आवाज आई, ईशानी बेटा, सिद्धार्थ की जगह उसकी बॉडी पर आई है। इतना कहते ही फोन कट हो गया। ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि एक पल में क्या हो गया। वो रोना चाहती थी लेकिन उसके दिल ने उसे रोने नहीं दिया और ईशानी सिद्धार्थ को लास्ट टाइम देखने के लिए अपने घर से निकल गई। किसी तरह जब ईशानी अपने बचपन के प्यार सिद्धार्थ के घर पहुंची
तो वहां जाकर उसे पता चला कि घर के सभी लोग सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट गए हैं। ईशानी भागी भागी जब शमशान घाट पहुंची तो उसने देखा कि उसकी चिता जल रही थी। ईशानी चीखते हुए जल्दी आग के करीब जाने लगी तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती, मुझे भी ले चलो अपने साथ। लोग उसे रोकते उससे पहले ही ईशानी ने उस लाश से कुछ लकड़ियां गिरा दी थी। उस लाश के आधे जले चेहरे को देख ईशानी चिल्लाते हुए बोली, ये सिद्धार्थ नहीं है आंटी, ये सिद्धार्थ नहीं है, उसके गले पे वो निशान नहीं है आंटी, ये सिद्धार्थ नहीं है। लोगों को लगने लगा कि ईशानी का ये हाल सदमे में हुआ होगा, लेकिन सिद्धार्थ की माँ ईशानी की ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। एक माँ ऐसी बात को कैसे नकार सकती है। ईशानी रोते रोते उस लाश की राख के पास ही बेहोश हो गई। वो लगातार यही कह रही थी कि ये मेरा सिद्धार्थ नहीं है। कोई नहीं था जो उसे उस हाल में सहारा दे सके, उसे तेज बारिश से बचा सके। पूरी रात ईशानी शमशान घाट पर बेहोश रही। ईशानी की जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। तभी पास में खड़ी नर्स ने ईशानी से कहा, रिलैक्स मैम, रिलैक्स हो जाइए, अभी आपकी तबीयत खराब है, मरते मरते बची हैं आप। वो तो भला है उस हैंडसम से लड़के का कि वो सही टाइम पर आपको यहाँ ले आया। नर्स आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ विराज आ गया। मिस ईशानी, हर बार मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिलती है। अगर मरने का शौक है तो पहाड़ से कूदो, पॉइजन खाओ या फिर दिल्ली के किसी टॉप बिल्डिंग से जंप करो, आराम से मर जाओगी। अच्छा, तो वो आप है जिसने मेरी जान बचाई। आप होते कौन है मेरी जान बचाने वाले? मैंने बोला था आपको मेरी जान बचाने के लिए, मर जाने देते ना मुझे सड़क पर। मिस ईशानी, तुम्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए था, लेकिन तुम तो अकड़ दिखा रही हो। वैसे मैंने तुम्हारी जान मेरा कर्ज चुकाने के लिए बचाई है। अगर तुम मर जाती तो मुझे 12 लाख का लॉस हो जाता, और विराज ओबेरॉय सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना लॉस नहीं। ये कहकर विराज गुस्से में हॉस्पिटल से निकल गया, और हॉस्पिटल के बिल का अमाउंट भी ईशानी के कर्ज में जोड़ता गया। विराज के जाते ही ईशानी भी तेजी से वहां से निकल गई, क्योंकि ईशानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाए। घर पहुंचते ही ईशानी के मॉम डैड ने उसे नीचे हॉल में ही रोक लिया और उसकी हालत को इग्नोर करते हुए सीधा सवालों के तीर उस पर छेड़ दिए। अब तो तसल्ली हो गई ना कि वो मर गया, अब किसके लिए जियोगी? अरे मालिनी, ऐसा क्यों कह रही हो? ईशानी के पास एक और जीने की वजह है, इसका पागल भाई, उसके लिए जीना होगा इसे, और ओबेरॉय के बड़े बेटे से शादी भी करनी होगी। डैड सही कह रहे हैं ईशानी, वो बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ चला गया, कम से कम तुम अपने पागल भाई का साथ तो मत छोड़ो। उसके इलाज के लिए ओबेरॉय के बड़े बेटे से शादी कर लो। नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये कहकर ईशानी अपने कमरे में चली गई। मालिनी उसे रोकती, उससे पहले ही मालिनी का हाथ संजय मेहता ने पकड़ते हुए उसे कुछ कहने से रोक दिया। भले सिद्धार्थ जिंदा हो, अपने भाई को बचाने के लिए ईशानी के पास एक ही रास्ता था, ओबेरॉय फैमिली में शादी करना। उधर दूसरी तरफ ओबेरॉय मैंशन में विराज के पहुंचते ही उसके बड़े भाई विवेक ने उसे टोक दिया। विराज, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा इतनी सही कैसे होती है? एकदम सही समय पर तुम आए हो, मेरी डिजाइनर भी बस अभी अभी आई है। विवेक विराज को अपनी डिजाइनर के पास ले गया और उससे कहा, मुझे ऑफिस के काम से अभी ही निकलना होगा, इसलिए तुम विराज की शेरवानी का नाप ले लो। ये सुनकर विराज ने अपनी मुट्ठी कसी और चुप होकर वहाँ खड़ा रहा। तभी डिजाइनर ने सवालिया नजरों से कहा, लेकिन शादी तो आपकी है ना विवेक सर, फिर विराज सर का नाम? गुड क्वेश्चन डिजाइनर, तो तुम्हारे सवालों का जवाब ये है कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, और मेरे कपड़े विराज में परफेक्ट होते हैं, तो विराज के कपड़े भी मुझ में परफेक्ट ही आएगी, इसलिए तुम इसके साइज की शेरवानी सिल दो, मैं पहन लूंगा। बाय विराज, मिलते हैं कल मंडप में। अगली सुबह दिल्ली शहर के एक फेमस होटल में शादी का मंडप सज चुका था। गेस्ट के नाम पर कुछ गार्ड्स और कुछ निजी लोग थे। ओबेरॉय खानदान ने कम ही लोगों को इन्वाइट किया था और खुद भी नहीं आए थे। उधर ईशानी दुल्हन के कमरे में लाल जोड़ा पहने बैठी हुई थी। जोड़े का नाप सही नहीं था क्योंकि वो उसकी बहन शीना की नाप की सिली गई थी। तभी कमरे में ईशानी का मेकअप करने एक लड़की आई। उसने जब ईशानी को ढीले ढाले लाल जोड़े में देखा तो कहा, मैम आपका लहंगा काफी लूज है, ये आपके लुक को इफेक्ट कर सकता है, क्या डिजाइनर से कहकर इसे सही नहीं कराया जा सकता?
मेरे लिए ये शादी ही यूजलेस है। फिर ये लहंगा लूज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, आप मेकअप शुरू करिए। वैसे भी मुझे अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना, मैं घूंघट ओढ़कर मंडप में जाऊंगी। ईशानी की बातें सुनकर मेकअप आर्टिस्ट बिना कुछ सवाल किए लेकिन अपने मन में हजारों सवाल लिए ईशानी का मेकअप करने लगी। कुछ देर में ही पतली दुबली ईशानी दुल्हन के मेकअप में बला की खूबसूरत लगने लगी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मेकअप करने वाली लड़की भी उसे देखकर हैरान थी। उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी को इतना सुंदर सजा सकती है। तभी उस कमरे में शीना और उसकी मॉम आ गई। मॉम ने ईशानी से कहा, ईशानी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें जैसा जैसा समझाया गया है तुम ठीक वही करोगी और अपने भाई के बारे में ही सोचोगी। मालिनी की बातों का ईशानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जिंदा लाश को लाल जोड़ा पहना रखा है। माहौल को भांपते हुए मालिनी ने ईशानी के चेहरे को सहलाते हुए फिर से कहा, ईशानी बेटा तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ओबरॉय के दिए पैसों से हम तुम्हारे भाई का अच्छे से इलाज कराएंगे। मॉम, करण भैया सिर्फ मेरे भाई नहीं आपके बेटे भी है। हाँ बेटा मुझे याद है, इसलिए तुम्हें अच्छे घर में भेज रही हूँ ताकि तुम पैसे लाओ तो मैं मेरे बेटे का इलाज कर सकूँ। चलो हम चलते हैं, तुम जल्दी तैयार होकर नीचे मंडप में आ जाओ और हाँ घूंघट लेना मत भूलना। ऐसा कहकर शीना और उसकी मॉम मालिनी दोनों ईशानी के कमरे से बाहर आ गई। कमरे से निकलते ही शीना ने अपनी मॉम से कहा, मॉम ये ईशानी तो मेरे लहंगे में भी अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझ के लहंगे को लूज कराया था ताकि ये ईशानी सुंदर ना लग पाए, लेकिन आज फिर से ये जीत गई। शीना बेटा जाने दो इसे, तुम बस ये सोचो कि तुम बच गई उस गोद लिए हुए ओबरॉय के बेटे से शादी करने से। अब ये ईशानी हमारे लिए नोट छापेगी। यू आर राइट मॉम, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं तो बस उसकी सुंदरता देखकर चल रही थी, इस पर फोकस ही नहीं किया कि वो किस आग में जल रही है। चलो चलो मॉम, चलकर ईशानी के बर्बादी का तमाशा देखते हैं। कुछ देर बाद शादी के मंडप में ईशानी को लाया गया। सभी लोग दुल्हन को घूंघट में देखकर दंग रह गए। वहीं होटल के किनारे में खिड़की से मंडप में बैठी दुल्हन को देखकर विराज गुस्से से पागल हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस लड़की से शादी करने वाला है जिससे ऑलरेडी उसके बड़े भाई विवेक की सगाई हो चुकी थी। विराज गुस्से से अपनी शेरवानी खोलने लगा। उसके कई बटन तो विराज के एक बार खींचने की वजह से टूट गए थे। वो गुस्से में शेरवानी खोलते हुए खुद से कहता है, विराज ओबरॉय तू कैसे हार सकता है, तुझे तो तेरे भाई ने ही हरा दिया, तू कैसे अपने भाई की छोड़ी हुई लड़की से शादी कर सकता है। सभी लड़कियां एक जैसी होती है, गोल्ड डिगर, जिन्हें केवल पैसा चाहिए, इमोशन जैसा कुछ नहीं होता इनके अंदर। ये भी वही है, विराज जब लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने में लगा था तभी वहां विराज का पर्सनल मैनेजर आ गया। पर्सनल मैनेजर का नाम अनुराग पटेल उर्फ एपी था। एपी ने विराज से कहा, सर पंडित जी आपको बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। एपी मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये ओबरॉय खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। बट सर विवेक सर की शर्त का क्या होगा। एपी की बात सुनते ही विराज को विवेक की शर्त याद आ गई, अगर विराज ने विवेक की जगह शादी नहीं की तो विवेक कभी उस लड़की का पता नहीं बताएगा जिसे विराज ढूंढ रहा था। विराज ने गुस्से में दीवार में जोर से एक मुक्का मारा। मुक्के की आवाज से विराज के बगल में खड़ा एपी डर गया, उसके कदम पीछे की ओर हट गए। एपी ने विराज को इतने गुस्से में शायद ही कभी देखा था। एपी क्या कोई रास्ता नहीं है इस लड़की से शादी न करने का। सॉरी सर बट इस बार नहीं है, और लड़की ने भी शर्त रखी है कि वो अपना चेहरा सबसे पहले अपने पति को दिखाएगी। एपी की बात सुनकर विराज कुछ देर कमरे में इधर उधर टहलने लगा और अचानक ही रुककर जोर से हंसा। अपने गले से वी नाम के लॉकेट को निकालते हुए विराज ने कहा, एपी मिल गया रास्ता, ये लो मेरा लॉकेट और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले जाकर मंडप में रख दो। बोलो सर मीटिंग में है इसीलिए इससे ही शादी होगी। बट सर ऐसी शादी कौन करेगा, मंडप में बैठी दुल्हन भी मना कर देगी ऐसी शादी से। यही तो चाहता हूँ मैं। एपी तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, और हाँ अपना फोन ऑन रखो, मुझे उस लड़की की हर एक बात सुननी है। घूंघट ओढ़कर वो अपना चेहरा छुपा सकती है लेकिन अपनी फितरत कैसे छुपाएगी। ओके सर। एपी ने एक थाल में रखे विराज के दिए हुए लॉकेट और कॉन्ट्रैक्ट पेपर को घूंघट में बैठी दुल्हन के सामने रख दिया। ईशानी हैरानी भरी नजरों से एपी को देखने लगी।
तभी ईशानी की मॉम मालिनी ने ईशानी के कान में आकर कहा, ईशानी दामाद जी शादी करने के लिए नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह तुम्हें इस लॉकेट और कॉन्ट्रैक्ट पेपर से शादी करनी होगी। और हाँ, भूल कर भी अपना घूंघट मत हटाना, यहाँ किसी को नहीं पता कि हमने दुल्हन बदल दी है। खिड़की से देख रहे विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, विराज ओबेरॉय के फेंके पत्ते कभी खाली नहीं जाते, तुम्हें अब इस शादी से मना करना ही होगा। तभी घूंघट में बैठी ईशानी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी शादी के मंत्र पढ़िए। क्या विराज जान पाएगा घूंघट के पीछे का सच? क्या ईशानी फंस जाएगी दुल्हन के अदला बदली के खेल में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड। दूल्हे के बिना हो रही शादी देखकर शादी में आए मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। चेयर पर बैठी एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा, लो जी बस यही देखना रह गया था, शादी को मजाक बनाकर रखा है इन मेहता और ओबेरॉय फैमिली ने। मैं तो घूंघट में बैठी दुल्हन को देखकर हैरान हूँ, पैसे का इतना भी क्या लालच कि कोई लड़की ऐसी शादी कर ले, ना दूल्हा है ना दूल्हे की फैमिली। तभी एक 60-65 साल के बूढ़े आदमी ने दोनों औरतों से कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झोल है इस शादी में। हाँ तो इसमें शक क्या है, देखो जरा मंडप से दूल्हा गायब है, दुल्हन घूंघट में है। इस शादी के कार्ड पर तो माय सीक्रेट हस्बैंड एंड माय सीक्रेट वाइफ इतना चाहिए था। ये कहकर सभी जोर से हंस पड़े। वहीं मंडप में बैठी ईशानी ये सब सुन रही थी, फिर भी ईशानी की आंखों से एक आंसू नहीं गिरे। बस उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें खून के आंसू रो रही हो। मंडप से दूर होटल के एक कमरे में एक और शख्स भी था जिसे ये शादी रास नहीं आ रही थी, वो था विराज ओबेरॉय। विराज कमरे की चीजों को इधर उधर फेंक कर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी कोशिश में बार बार फेल हो रहा था। जब भी वो शीशे से बाहर घूंघट वाली दुल्हन को अकेले ही मंडप में फेरे लेते देखता, उसके सीने में गर्म खून दौड़ जाता। उसने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को मिरर पर मारते हुए कहा, मशीना तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है ना, मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा, नर्क। ईशानी को पता नहीं था कि वो एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में जा रही थी, जहां उसे हर रोज लड़ना होगा और जीतना भी होगा। कुछ देर में शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। गले में मंगलसूत्र की जगह विराज का उतरा हुआ वी लेटर का लॉकेट और मांग में लाल सिंदूर की जगह काले राख ने ले ली। ईशानी की मॉम मालिनी ने विदाई के समय ईशानी के कानों में बड़े प्यार से जहर उगला, ईशानी अब तुम अपनी शक्ल हमें एक साल तक मत दिखाना, जब तक तुम ओबेरॉय खानदान की जरूरतें पूरी नहीं करती रहोगी तब तक वो तुम्हारे डैड के डूबते बिजनेस को सहारा देते रहेंगे। ईशानी को अपनी मॉम मालिनी के मुंह से ये सब सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सगी मॉम ने उसका सौदा किया है। लेकिन ईशानी एक बात से परेशान हो गई, उसने मालिनी से पूछा भी, मॉम मैं करण भैया से कैसे मिलूंगी, अगर आप मुझे घर आने से रोक देंगी तो? तुम ओबेरॉय फैमिली पर फोकस करो, तुम्हारे भाई का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे भाई के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मालिनी ने ईशानी को धमकाने के बाद उसे कार में जबरन ढकेल के बैठा दिया। ईशानी एक बार अपने भाई करण से मिलना चाहती थी, लेकिन मालिनी ने नहीं मिलने दिया। ईशानी उस वक्त कार में बैठ गई, लेकिन उसने तय किया कि वो कल सुबह होते ही अपने करण भाई से मिलने मेहता हाउस जाएगी। ईशानी सोचते सोचते कार में सो गई, और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो कार में अकेली थी। उसने घबरा कर ड्राइवर को आवाज लगाई, ड्राइवर भैया कहाँ हो आप? ईशानी ने जब अपने फोन में देखा तो रात के 7 बजे थे, लेकिन वहां जहां ईशानी की कार खड़ी थी उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अंधेरे ने केवल इसी जगह को अपने वश में कर रखा हो। तभी ईशानी की नजर कार के पीछे वाले शीशे से बाहर गई। बाहर का नजारा ही कुछ और था, दूर तक फैले अंधेरे के बीच एक हल्की रोशनी से घिरा एक विला था। ईशानी ने खुद से बात करते हुए कहा, ये कौन सी जगह है, ये तो ओबेरॉय मैंशन नहीं लग रहा, ओबेरॉय मैंशन तो शहर के
बीचों बीच है। ये तो कोई डेविल का विला लग रहा है। ईशानी कार से निकलकर आगे विला की तरफ ड्राइवर को ढूंढते हुए बढ़ी। तेज ठंडी हवा ईशानी के घूंघट को बार बार उसके चेहरे से हटा रही थी। सच में उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नर्क का राजा ही रहता होगा उस विला में। लेकिन ईशानी डरने के बाद भी उस विला के दरवाजे पर पहुंच गई और उसने डोर बेल बजाई। ईशानी के बेल बजाने के कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने घर का स्टाफ खड़ा था। ईशानी ने उससे पूछा, क्या ये ओबरॉय मैंशन है? नहीं मैम, ये तो हमारे सर का विला है, इसे स्पेशली बनवाया गया है। लगता है मैं गलत घर पर आ गई हूँ, मुझे लगा कि ओबरॉय मैंशन है। मैम, मेरी आज ही नौकरी लगी है और मुझे ये बताया गया है कि उसके हिसाब से आज मेरी नई मैडम आने वाली है, आप जाइए। नौकरी की बात सुनकर ईशानी ने धीरे से कहा, इस डरावनी जगह पर कोई मालकिन ना आए तो ही बेहतर है, ये घर कम भूतों की हवेली ज्यादा लग रही है। मैम, आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कोई ड्राइवर यहाँ आया है क्या? मेरी कार वहाँ खड़ी है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता मैम, मैं खुद यहाँ नया हूँ, आप किसी और से आसपास में पूछ लीजिए। ठीक है भैया। ईशानी अपने भारी भरकम और ढीले ढाले लहंगे को उठाकर जाने के लिए पलटी और चलते चलते खुद से कहा, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, आप बिल्कुल सही जगह पर आई है बहुरानी। ईशानी जब उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ी तो सामने खड़ी औरत को देखकर डर गई। मोटा शरीर, 50-55 की उम्र, बड़ी बड़ी डरावनी आंखों के साथ बिहारी स्टाइल में साड़ी पहने औरत ने मुस्कुराकर ईशानी से दोबारा कहा, बहुरानी आप बिल्कुल सही जगह पर आई है, ये नया नया यहाँ पर काम लगा है इसलिए इसे नहीं पता कि आप कौन है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ईशानी उस औरत को देखकर डरी तो थी ही, लेकिन उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। उसने उस औरत से पूछा, आप कौन है और बाकी सभी लोग कहाँ हैं? ओबरॉय फैमिली तो यहाँ नहीं रहती, वो तो हम फूलमती हैं, लेकिन प्यार से सब हमें अम्मा कहते हैं क्योंकि हमने ही बड़े मालिक के दोनों बेटों को पाला पोसा है। ईशानी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन ये ओबरॉय मैंशन नहीं है, वो तो दिल्ली के सेक्टर 27 में है और ये जगह तो शहर से दूर लग रहा है। बहुरानी पहले आप अंदर चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। ईशानी अम्मा की बात मानकर उस विला के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अम्मा अचानक चिल्ला पड़ी, रुकिए बहुरानी। अभी प्यार से धीमी आवाज में बोल रही अम्मा की आवाज को इतना तेज होता देख ईशानी हैरान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जो औरत अभी इतने प्यार से बोल रही थी अचानक उसे क्या हो गया जो चिल्लाने लगी। तभी अम्मा ने कहा, बहुरानी आप इस घर की बहू है, आप दाहिने पैर को पहले घर के अंदर रखिए, इससे घर में खुशियों की किलकारी पहले गूंजेगी। जिस शादी का कोई मतलब नहीं उस शादी से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती फूलमती जी, लेकिन आप बड़ी है इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। ईशानी अम्मा की बात मानकर दाहिने पैर से घर के अंदर आ गई। अम्मा ईशानी को घर की सुंदरता दिखाते हुए डाइनिंग टेबल पर ले गई। ईशानी ने जैसा ओबरॉय मैंशन के बारे में सुना था ठीक वैसा ही अंदर से ये विला भी था। घर की दीवारों को सफेद रंग से ढक दिया गया था। ऊपर छत पर हीरे जैसे आकार के बड़े बड़े कई झूमर लगे थे। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे आगरा के ताजमहल जैसा बनाया गया हो। दीवारों पर मुगलों के जमाने की पेंटिंग लगी हुई थी। अम्मा ने ईशानी को चेयर पर बिठाते हुए कहा, आप भी घर की चकाचौंध देखकर दंग रह गई। नहीं फूलमती जी, ये चकाचौंध मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ जिसने भी इसे बनवाया है वो जरूर कला प्रेमी होगा, एक एक चीज पर हाथों की कला का कमाल है। बिल्कुल सही कहा बहुरानी जी, इस घर को आपके लिए ही तैयार कराया गया है, लेकिन क्या मैं आपका घूंघट उठा सकती हूँ ताकि आप और अच्छे से घर को देख पाए और मैं आपको देख पाऊँ? नहीं फूलमती जी, ये घूंघट तो तभी हटेगा जब मैं अपने सीक्रेट हस्बैंड का चेहरा देख लूंगी, अम्मा ने मुंह बनाते हुए कहा। बहुरानी जी आप सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। आप ये देखिए आपके पसंद के खाने बने हैं, आपको जो पसंद है वो सब यहाँ है। अम्मा ने जैसे ही खाने की प्लेट ईशानी की तरफ बढ़ाई, ईशानी ने अपना मुंह मोड़ लिया। फूलमती जी मुझे अभी भूख नहीं है, खा लीजिए बहुरानी, आपको जिस काम के लिए यहाँ लाया गया उस काम के लिए आपका हेल्दी रहना जरूरी है। ईशानी गुस्से में चेयर से उठ गई और चेयर से उठकर अम्मा से बोली,
कौन सा काम फूलमती जी? किस काम की बात कर रही है आप? बहुरानी, आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा क्या? अम्मा की बात पर ईशानी को याद आया कि उसकी शादी अभी कुछ घंटों पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ हुई थी। ईशानी ने कहा, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो कार में रखा हुआ है, मुझे समय नहीं मिला उसे पढ़ने का। पर क्या आप बता सकती हैं उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? वैसे तो हम नौकरानी हैं इस घर की, लेकिन हमें बोला गया है आपको सब बताने के लिए, इसलिए हम बता देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपकी मॉम ने आपको कुछ नहीं बताया इस शादी के बारे में? ईशानी ने झल्लाते हुए बोला, हाँ नहीं बताया है, लेकिन क्या आप बताएंगी कि क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे जानना जरूरी है? आपको यहाँ ओबेरॉय खानदान को उनका वारिस देने के लिए लाया गया है। अगर आपने एक साल के भीतर ओबेरॉय खानदान को वारिस नहीं दिया तो आपसे और आपके परिवार से सब कुछ छीन लिया जाएगा। वारिस? वारिस वर्ड सुनकर ईशानी हैरान रह गई। गुस्से में खड़ी ईशानी के पैर डगमगा गए और वो वापस चेयर पर बैठ गई। उसके हाथ पैर फूलने लगे। अचानक ही घर में फुल एसी चलने के बाद भी ईशानी के चेहरे पर पसीने छप गए। ईशानी के लाल आंखों से मोती जैसे पानी दोबारा से बहने लगे। ईशानी ने रोते हुए खुद से कहा, अच्छा तो शीना के मना करने की असली वजह ये थी। मॉम ने शीना के बदले मेरी बलि चढ़ा दी। क्यों मॉम, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा धोखा। बहुरानी, आपने कुछ कहा क्या? अम्मा के बार बार बोलने के बाद भी जब ईशानी अपने दर्द से बाहर नहीं आई तो वापस से अम्मा ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद आपको अपनी पहली सुहागरात के लिए भी तैयार होना है। अम्मा ने पहली बारिश वाली बात बताकर ईशानी को दर्द दे ही दिया था, दोबारा सुहागरात की बात बोलकर ईशानी को गहरा घाव भी दे दिया। सुहागरात और बारिश वाली बात सुनकर ईशानी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सीना दर्द से फट जाएगा। ईशानी ने कांपते हाथों से डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास को उठाया और अपने घूंघट वाले चेहरे पर गिरा लिया। अम्मा ने तुरंत ईशानी के हाथ से ग्लास छीना और पूछा, ये क्या कर रही है बहुरानी आप? अभी आपको सुहागरात के लिए जाना है। ईशानी ने ग्लास को अपने हाथों में फोड़ते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सुहागरात? किसकी सुहागरात और किसके साथ? दूल्हा जब मंडप में शादी करने नहीं आ पाया तो आपको क्या लगता है वो अपनी सुहागरात मनाने आएगा? अम्मा ने ईशानी के हाथ से कांच को निकालते हुए कहा, जितना आसान सब दिख रहा है उतना आसान कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक साल के लिए आपकी जान ओबेरॉय के लिए बहुत कीमती है। चलिए आपको दवा लगा दूं, या आप बोलिए तो डॉक्टर को बुलवा दूं। ईशानी ने अम्मा के हाथों को झटकाते हुए कहा, कैसी औरत है आप, शादी के नाम पर एक लड़की को एक साल के लिए बिकता हुआ देख रही है और ये ओबेरॉय शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसे के बल पर मैला कर रहे हैं। बच्चा ही चाहिए था तो किसी अनाथालय से ले लेते, इसके लिए किसी लड़की की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हैं ओबेरॉय? वैसे ही बहुरानी, जैसे आपकी मॉम ने पैसे के लिए आपकी लाइफ बर्बाद कर दी। चलिए ये सब छोड़िए, अब आप अपने सुहागरात के स्टेज पर जाइए, बड़े साहब आते ही होंगे, मैं भेजती हूँ किसी को आपके हाथ पर दवा लगाने के लिए। ईशानी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, लेकिन अम्मा के कड़वे शब्द सुनकर उसके जुबान खुद ब खुद सिल गए। ईशानी को अम्मा ने सहारा देकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। ईशानी कमरे में जब पहुंची तो कमरे की सजावट देखकर दंग रह गई। बेड को लाल गुलाब के फूलों से सजाया गया था। दरवाजे से बेड तक जाने के लिए फर्श पर फूल बिछाए गए थे। कमरे के अंदर जैसे ही ईशानी ने पैर रखा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। दूध जैसी सफेद ईशानी पर गिरे लाल रंग के फूल ने उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा दिए। तभी अम्मा ने ईशानी से कहा, बहुरानी कई बार हमें घने अंधेरे के बाद रोशनी नजर आती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपके जीवन का घना अंधेरा एक साल में छंट जाए। फूलमती जी, जिस घर में आप जैसी औरत होगी उस घर की औरतों के जीवन से कभी अंधेरा नहीं जाएगा। अब आप जाइए यहाँ से। ईशानी ने अम्मा के मुंह पर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बेड पर फैले फूलों को नोचने लगी। अपने दुपट्टे को नोच कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। बेड पर बिछे चादर को खींच कर नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से गुलाब के सभी फूल संगमरमर के फर्श पर फैल गए। ईशानी के हाथों से भी खून की लाल बूंदें फर्श पर टपक रही थी। पूरा कमरा लाल गुलाब के खेत की तरह अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ईशानी ने रोते हुए अपने फोन में सिद्धार्थ की तस्वीर देखी और कहा, तुम्हारे सिवा कैसे मैं किसी को अपना शरीर छूने दूं? ईशानी का जिस्म सिर्फ तुम्हारा है,
क्यों धोखा दे दिया तुमने सिद्धार्थ अपनी ईशानी को? नहीं, मैं अपने शरीर को किसी और को नहीं छूने दूंगी। ये मेरा जिस्म है, इसे मैं मेरी मर्जी के बिना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ईशानी ने झट से उठकर अपने कमरे के सारे लॉक लगा दिए और हवा की वजह से जो खिड़कियाँ उसे जी भर के रोने से डिस्टर्ब कर रही थी उसे भी बंद कर दिया। फिर ईशानी अपने हाथ में ब्लैक पेपर स्प्रे लेकर बेड पर बैठ गई। उसने तय कर लिया था कि वो किसी को भी उसकी मर्जी के बिना अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देगी। उधर दूसरी तरफ अम्मा ईशानी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां अंधेरे कमरे में खड़े शख्स से अम्मा ने कहा, लड़की बहुत नाजुक है, एकदम फूल की तरह, संभाल के हाथ रखिएगा, कहीं मुरझा ना जाए। वैसे उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया मुझे, कहती है अपने सीक्रेट हस्बैंड को दिखाएगी। अंधेरे में खड़े शख्स ने रोशनी में आकर अम्मा से कहा, अम्मा मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। आपको खुद के लिए नहीं, ओबेरॉय खानदान के लिए ये सर्व करना ही होगा। एक साल के भीतर आप दोनों को मिलकर ओबेरॉय खानदान को वारिस देना ही होगा। आपकी दादी जी की यही ऑर्डर्स है, इसीलिए आपको चाहे जो भी करना पड़े करिए। अम्मा उस शख्स को समझाकर कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा के जाने के बाद वहाँ विराज आ गया और उसने कहा, विवेक भैया जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया, उस लड़की से शादी कर ली, हमारी डील पूरी हुई, क्या अब आप मुझे उसका पता बताएंगे? अंधेरे में खड़ा शख्स कोई और नहीं, विराज का बड़ा भाई विवेक था, जिससे कुछ देर पहले अम्मा बात करके गई थी। उसने विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विराज विराज तुमने सही करा मेरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने डील पूरी की, लेकिन आगे। विराज ने गुस्से में विवेक से कहा, व्हाट नॉनसेंस, अभी अम्मा आई थी और उन्होंने कहा है कि उस लड़की को अपने पति के साथ मिलकर, यानी तुम्हारे साथ मिलकर एक साल के अंदर बच्चा पैदा करना है। विवेक की बात सुनकर विराज गुस्से में कपने लगा। अगर विवेक उसका भाई नहीं होता तो शायद विराज उसे अब तक मार चुका होता। लेकिन विराज ने खुद के गुस्से को शांत करते हुए विवेक से कहा, ये कभी नहीं हो सकता। ये कहकर विराज गुस्से में कमरे से बाहर निकल चला गया। रात के 2 बज गए थे। उधर अपने कमरे में बेड पर लेटी ईशानी हाथ में ब्लैक पेपर स्प्रे लिए अपने मिस्टीरियस हस्बैंड का वेट कर रही थी। लेकिन अभी तक किसी ने भी ईशानी के कमरे का डोर नॉक नहीं किया था। ईशानी ने खुद से कहा, सो जा ईशानी, जिसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आने वाला। ईशानी अब थोड़ा रिलैक्स हो गई और बीते कुछ दिनों में उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह 10 बजे जब ईशानी के कमरे का किसी ने डोर नॉक किया तो उसकी आंख अचानक ही खुल गई। ईशानी अपने ऊपर से चादर फेंककर तेजी से दरवाजे की ओर भागी। तभी उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई। उसने जब खुद को मिरर में देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मिरर के सामने पूरी बिना कपड़ों के खड़ी थी, जबकि वो रात में अपनी दुल्हन के जोड़े में ही सोई थी। क्या हुआ था उस रात ईशानी के साथ? क्या ईशानी कभी जान पाएगी खुद के साथ रात में हुए हादसे का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड। खुद को बिना कपड़ों के देखकर रोती हुई आवाज में ईशानी ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो रात में शादी के जोड़े में ही सो गई थी, फिर मेरे तन के कपड़े कहाँ गए? क्या हुआ रात में मेरे साथ? कहीं मेरी इज्जत तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी जब मिरर में खुद को बिना कपड़ों के देखकर रो रही थी उसी समय कोई बार बार उसके रूम का दरवाजा नॉक कर रहा था। ईशानी ने तुरंत अपने कपड़े पहने और घूंघट के साथ अपने रूम का दरवाजा खोला। सामने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े घर की नौकरानी अम्मा खड़ी थी। क्या हुआ बहुरानी, रात भर सो ही नहीं क्या? फूलमती जी क्या किया है आप लोगों ने मेरे साथ? मैं रात शादी के जोड़े में सोई थी लेकिन सुबह मेरे तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। हमने तो आपको पहले ही कहा था, आप जितना आसान समझ रही है सब कुछ उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। पहेलियां मत बुझाइए फूलमती जी, मुझे सच सच बताइए क्या किया है आप लोगों ने मेरे साथ? दीदी जी के ऑर्डर थे आपको चेक करने का, उन्हें डर था कि कहीं मेहता फैमिली बेटी के रूप में कोई जासूस तो नहीं भेज रही, और हाँ
हमने आपके कपड़े आंखों पर पट्टी बांधकर उतारे हैं। कोई इज्जत ना गई आपकी। तो मिल गई आपको सबूत? कैसी औरत है आप? छी। अम्मा ईशानी की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, हम चाय रखकर जा रहे हैं, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। ईशानी ने देखा कि उसके सभी सामान बैग से निकले हुए हैं। ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि रात में जब वो अपने रूम को लॉक करके सोई थी, फिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह यहाँ एक साल बिताएगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने भाई के साथ कहीं दूर भाग जाएगी। ईशानी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। हेलो, कौन? मैम, मैं विराट सर का पर्सनल मैनेजर एबी बोल रहा हूँ। सर आपके काम से काफी इंप्रेस है, उन्होंने आज के इवेंट के लिए आपका नाम रेकमेंड किया है। ईशानी कुछ देर सोच में पड़ गई कि वो क्या करे, क्या जवाब दे। हेलो मैम, क्या आप सुन रही हैं? हेलो ईशानी मैम, क्या मैं आपकी चुप्पी को ना समझूं? ईशानी ने झट से कहा, नो एपी, आप मिस्टर ओबरॉय से कहिए कि 30 मिनट में मैं पहुंच रही हूं। आप एड्रेस सेंड करिए। ईशानी ने फोन रखा और तुरंत टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। 20 मिनट में रेडी होकर ईशानी एपी के दिए गए एड्रेस पर पहुंच गई। वहां जाकर ईशानी ने देखा कि विराज एपी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, व्हाट नॉनसेंस, क्या है ये, मैं सिंगल ग्रुप की मालिनी के साथ डेट पर जा रहा हूँ, न कि किसी सर्कस में। वो लड़की ईशानी अभी तक आई क्यों नहीं? मिस्टर विराज ओबरॉय, मैं यहाँ हूँ। ईशानी की आवाज सुनकर विराज ने जब ईशानी की ओर देखा तो उसका गुस्सा अचानक ही शांत हो गया। गुड मिस ईशानी, आज तुम टाइम पर हो, चलो अब जल्दी करो, तुम्हारे पास केवल 25 मिनट है मुझे रेडी करने के लिए। विराज के दिए 25 मिनट को ईशानी ने अपने लाइफ की आखिरी 25 मिनट समझकर काम शुरू किया और 25 की जगह 23 मिनट में विराज को रेडी कर दिया। डन मिस्टर ओबरॉय, आप खुद को मिरर में आप देख सकते हैं। विराज ने जब खड़े होकर खुद को मिरर में देखा तो उसकी आंखें अपनी सुंदरता को देखकर चमक गई। ईशानी ने विराज को नया लुक दिया था और ये लुक विराज को सबसे अलग और बेहतर बना रहा था। ईशानी विराज से पूछ पाती कि कैसा लगा सर आपको आपका नया लुक, उससे पहले ही विराज ने चेयर से अपनी कोट उठाई और कार में जाकर बैठ गया। तभी ईशानी के पास एपी ने आकर कहा, ईशानी आपको विराज सर के साथ उनके डेट पर साथ जाना है, चलिए सर कार में आपका वेट कर रहे हैं। मैं क्यों जाऊँ मिस्टर ओबरॉय के साथ उनके डेट पर, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ और मेरा काम यहीं तक था। सर के ऑर्डर है, आपको उनके साथ जाना ही होगा, उन्हें वहाँ आपकी जरूरत पड़ सकती है। ईशानी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और अभी तक विराज ने उसका पेमेंट भी नहीं किया था, इसलिए ईशानी विराज के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई। ईशानी को कार की तरफ आता देख विराज मुस्कुराया और अपने टैब में देखने लगा। ईशानी असहज होकर विराज से कार में बोली, मिस्टर ओबरॉय मुझे 9 बजे तक घर जाना है, क्या आप मुझे 9 बजे तक घर जाने की परमिशन दे सकते हैं? मिस ईशानी, लगता है तुम्हें विराज ओबरॉय के साथ काम करने का तरीका नहीं पता, वरना तुम मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करती। विराज आगे ईशानी को सुना पाता उससे पहले ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, सर होटल आ गया है, एपी तुम ड्राइवर के साथ कार में ही रुको और मिस ईशानी तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ईशानी डर से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, आखिर मिस्टर ओबरॉय मुझसे चाहते क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता हूँ इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस ये सोचो कि 12 लाख का कर्ज कैसे चुकाओगी। ईशानी हैरान हो गई क्योंकि जो बात ईशानी अपने मन में सोच रही थी वो विराज को कैसे पता चला। वो डर से तुरंत कार से उतरकर विराज के साथ चलने लगी। अंदर जाते ही ईशानी ने वो देखा जो एक आम लड़की सपनों में भी नहीं देख सकती। डेटिंग वाले कॉर्नर को डिम लाइट के साथ सजाया गया। टेबल पर रखे बुके को ईशानी हाथ लगाने ही जा रही थी कि किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। ये आवाज नायरा सिंघल की थी, वही नायरा सिंघल जिसके साथ विराज की डेट थी। ईशानी इतनी डरावनी आवाज सुनकर घबरा गई और उसके हाथ से टेबल पर रखा पानी गिर गया। नायरा गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही जा रही थी कि विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा, ये ईशानी है मेरी स्टाइलिस्ट, इसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो हम चले जाते हैं। नायरा को बहुत मुश्किलों से बिजनेस डेट के नाम पर विराज के साथ टाइम मिला था और वो इस गलती की वजह से उसे खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए उसने अपने हाथ नीचे करते हुए कहा, ओह तो ये लड़की तुम्हारे साथ आई है, मुझे लगा कोई स्टाफ है, बट ये तो हमारी डेट थी। नायरा, करेक्ट योर वर्ड, हम यहाँ हमारी डेट पर नहीं बल्कि बिजनेस डेट पर आए हैं, सो मेरी स्टाइलिस्ट यहाँ आ सकती है। ओह सो सॉरी विराज, मेरे दिमाग से निकल गया था, पूरा दिन इतना स्ट्रेसफुल था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। खैर चलो, मैंने खास तुम्हारे पसंद की डिशेस मंगवाई है। विराज ने ईशानी को भी साथ चलने को कहा। डाइनिंग टेबल पर तीनों जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी ईशानी ने नायरा से कहा, मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने जिस तरीके से उस एसिड अटैक वाली लड़की का मेकओवर किया था वो बहुत काबिल-ए-तारीफ था। विराज के सामने ईशानी के मुंह से अपनी तारीफ सुन नायरा इतराते हुए बोली, मेरी टैलेंट की वजह से मैं और मेरी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में राज कर रहे हैं। बॉलीवुड की हर एक हीरोइन के मेकअप प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी के हैं। विराज मियां मिट्ठू बन रही नायरा की बातों से जल्द ही बोर हो गया और फोन कॉल के बहाने बाहर चला गया। तभी नायरा ने अपने चेहरे से अच्छाई का नकाब हटाया और गुस्से में ईशानी की ओर देखा। कितने में बेचा है तुमने खुद को? तुम जैसी जोर छाप लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम इस भ्रम में मत रहना कि विराज के करीब जा सकोगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैम मैं शादीशुदा हूँ और मैं बस विराज सर की एक स्टाइलिस्ट हूँ, इससे ज्यादा मेरे मन में कुछ नहीं है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। विराज सिर्फ मेरा है और नायरा सिंगल जिसे चाह लेती है उसे अपना बना कर रहती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ईशानी ने हैरानी से पूछा, क्या मैम? तुम मुझे विराज की हर एक अपडेट दोगी, वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है और उसकी लाइफ में कौन है। अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरी कंपनी तुम्हें मुंह मांगी रकम देगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। कॉस्मेटिक की दुनिया मेरी है और इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ईशानी कुछ कहती उससे पहले वहाँ विराज आ गया। नायरा ने जल्दी से गिदगिद की तरह अपना रंग बदल लिया। विराज देखो ना, मैं कब से ईशानी को बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, लेकिन ये मान ही नहीं रही है, अब तुम ही समझाओ। विराज खुद भी नायरा नाम की चिपको लड़की से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, नायरा मिस ईशानी सही कह रही है, उसने पहले ही मुझसे कहा था कि आज उसे जल्दी छुट्टी चाहिए। चलो फिर मिस ईशानी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ते हुए चला जाऊंगा। लेकिन विराज तुम तो अभी आए थे और वो बिजनेस मीटिंग भी हमारी रह गई है। नायरा हम वो बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, चलो ईशानी हम लेट हो रहे हैं, बाय नायरा हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर विराज चेयर पर रखे जैकेट को उठाकर ईशानी के साथ इतनी तेजी में बाहर निकला जैसे कि वो किसी मधुमक्खी से अपना पीछा छुड़ा रहा हो। नायरा को लगा कि ये सब ईशानी की वजह से हुआ है। नायरा ने गुस्से में जोर से पानी का गिलास नीचे फेंक दिया। ईशानी मेहता, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें, तुम अब अपनी बर्बादी देखोगी। उधर कार में बैठी ईशानी नायरा के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। तभी विराज ने उसकी परेशानी बढ़ाते हुए जानबूझकर पूछा, मिस ईशानी कहाँ जाना है तुम्हें? अपने घर का एड्रेस ड्राइवर को बता दो, तुम्हें छोड़ते हुए हम ऑफिस चले जाएंगे। ईशानी ने घबराहट में अपने उस घर का पता बता दिया जहाँ उसने अपनी और सिद्धार्थ की यादें दफना रखी थी। विराज ने सोचा, ये लड़की मुझे समझ में क्यों नहीं आती, पता नहीं क्यों कभी कभी अपनी सी लगती है, समझ नहीं आता कि इसका असली चेहरा कौन सा है। तभी ईशानी ने कहा, मिस्टर ओबेरॉय मेरा घर आ गया। मिस ईशानी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नो मिस्टर ओबेरॉय ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का दायरा पता है। ये कहकर ईशानी कार से उतर गई और कार तेजी में वहां से निकल गई। उधर सड़क पर पैदल चल रही ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि वो किस घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। हर घर बस एक छलावा है, लेकिन उसने अपने भाई के बारे में सोचकर उस भूतिया विला में जाना जरूरी समझा। ईशानी ने कमरे में आकर खुद से कहा, ईशानी तुझे बस एक साल तक किसी तरह अपनी रातें इस भूतिया हवेली में काटनी है। एक बार करण भाई के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए फिर तू आजाद है। सूरज हमेशा सुबह की किरणों के साथ संसार में अपना रंग बिखेरता है, लेकिन ईशानी की लाइफ में कभी कोई रंग नहीं होता। ईशानी ने बेड पर बैठे बैठे सोचा कि अगर मेरी शादी सही से हुई होती तो आज मैं
पूरी के लिए अपने मायके जाती, लेकिन मेरे साथ तो तभी चाय की ट्रे लेकर कमरे में अम्मा आई और उन्हें देखते ही ईशानी ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। अम्मा ने कहा, बहुरानी जी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको आपके पखेरे के लिए मायके जाना है। बड़े सर ऑफिस के काम में बिजी है, इसलिए आपको अकेले जाना होगा। ईशानी ने सोचा कि अच्छा मौका है करण भाई से मिलने का, इसीलिए वो खुशी खुशी तैयार होकर मेहता हाउस के लिए निकल गई। वहां जाकर ईशानी आधे घंटे तक डोर बेल बजाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब शीना ने खिड़की से देखा कि ईशानी ओबेरॉय की कार से आई है और नौकर हाथ में थाल लिए खड़े हैं, उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। शीना, करण भाई कहाँ है? ताने मारने वाली अंदाज में शीना ने कहा। वेट वेट ईशानी, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसे ही गुमवार हो। लगता है ओबेरॉय तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी बनाकर रखते हैं। ईशानी शीना को इग्नोर करते हुए तेजी से अपने करण भाई के कमरे की ओर भागी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ईशानी ने तेजी से जब दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें कमरे के अंदर का हाल देखकर खुली की खुली रह गई। कमरे में चारों तरफ खाना फैला हुआ था, खाने से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिनों से खाना पड़ा हुआ था और करण भी गायब था। ईशानी अपने भाई को कमरे में ना पाकर परेशान हो गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, करण भाई कहाँ हो आप? करण भाई देखिए आपकी बहन आई है, करण भाई। ईशानी के लाख बुलाने पर जब करण बाहर नहीं निकला तो ईशानी उसे कमरे से बाहर ढूंढने के लिए निकली ही थी कि उसे अपने भाई की आवाज आई। ईशानी मैं यहाँ हूँ मैं। ईशानी ने देखा कि करण अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। ईशानी ने करण को बाहर निकाला और उसके कपड़े सही करते हुए उससे कहा, करण भाई आप अलमारी में क्या कर रहे थे और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? ईशानी वो शीना करण को बहुत मारती है, अच्छा अच्छा खाना भी नहीं देती। ईशानी तुम अब कहीं मत जाना, करण को छोड़कर मत जाना। दरवाजे पर खड़ी शीना ने अपनी बुराई सुनकर टपक से कहा, ईशानी तो जाएगी और आप हमेशा यहीं रहेंगे, देखती हूँ आपको कौन बचाता है। शीना तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के साथ इतना बुरा करते हुए? इस पागल के साथ ऐसा ही करना चाहिए। शीना अगर अब तुमने करण भाई के खिलाफ कुछ कहा तो क्या क्या कर लोगी तुम मेरा? और एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी तुम्हारा भाई पागल है। शीना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि ईशानी ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। शीना को मार खाता देख करण ताली बजाकर हंसने लगा, मजा आया शीना को मार पड़ी, मजा आया। शीना ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा, ईशानी तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया, अब तुम देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। मॉम मॉम देखो ईशानी ने मेरे साथ क्या किया। शीना की आवाज सुनकर जब मालिनी मेहता वहाँ आई तो शीना को रोते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और ईशानी का हाथ पकड़कर घर से निकालने लगी। मॉम मेरी कोई गलती नहीं है, ये शीना करण भाई को पागल बोल रही थी और मार रही थी, इसलिए गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। ईशानी जब तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ आने से तो तुम क्यों आई? और पागल को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन मॉम करण भाई आपके बेटे हैं, आप उनके साथ कैसे ऐसा कर सकती है? शीना भी मेरी बेटी है और उसे मारने की सजा तुम्हें मिलेगी ही, निकलो मेरे घर से और यहाँ कभी मत आना। मालिनी ने ईशानी को दरवाजे से बाहर की ओर इतनी जोर से धक्का देकर दरवाजा बंद किया कि ईशानी का सर बाहर रखे गमले से जा लड़ा। ईशानी ने दोबारा उठकर दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने दोबारा दरवाजा नहीं खोला। ईशानी के सिर से लगातार खून बह रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर रवानी ईशानी की फैमिली डॉक्टर थी। ईशानी फिर से उन लोगों ने तुम्हें मारा क्या? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तुम उन लोगों के पास क्यों गई? करण भाई की वजह से, उन लोगों ने करण भाई की हालत खराब कर रखी है, मुझे किसी तरह उन्हें बचाना होगा। पहले खुद को तो बचा लो, अब अपनी आंखें बंद करो, मुझे बैंडेज करने दो। ईशानी बैंडेज के लिए अपनी आंखें बंद करती उससे पहले ईशानी का फोन बजा और फोन पर स्लाइड हो रहे नंबर को देखकर ईशानी की आंखें बंद होने की जगह खुली की खुली रह गई। किसका था फोन जिसे देखकर ईशानी डर गई? क्या ईशानी शीना के अत्याचार से बचा पाएगी अपने भाई को?
जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड। ईशानी के फोन पर लगातार विराज ओबरॉय का फोन आ रहा था। आज ही ईशानी ने हाई फीवर का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसलिए ईशानी विराज का कॉल रिसीव करने में डर रही थी। ईशानी ने डरते डरते जब फोन उठाया, हेलो मिस्टर ओबरॉय। मिस ईशानी, तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। मिस्टर ओबरॉय, आप मेरे कुछ दिनों के बॉस है। आपके स्टाइलिस्ट के ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी और मुझे हाई फीवर है इसलिए ऑफिस आना मुश्किल है और अब तो रात भी हो गई है। आई डोंट केयर रात हो या दिन, या फिर तुम्हें हाई फीवर हो, मुझे तुम 10 मिनट में क्लिनिक के बाहर चाहिए। क्लिनिक? आप मेरे क्लिनिक के बाहर हैं? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं क्लिनिक में हूँ? ईशानी ने विराज की बातों पर यकीन करने के लिए पर्दा हटाकर देखा तो सच में विराज ओबरॉय की कार नीचे क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। ईशानी ने झट से पर्दा बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपना इलाज कराओ और 10 मिनट में नीचे आओ, हमें शहर से बाहर जाना है। विराज की धमकी सुनकर ईशानी ने गुस्से में फोन कट कर दिया और क्लिनिक में इधर उधर टहलने लगी। तभी डॉक्टर रवानी ने ईशानी से कहा, ईशानी जल्दी आओ, तुम्हारा बैंडेज कर दूं, तुम्हारा पति कब तक नीचे वेट करेगा। ईशानी डॉक्टर की बात पर सोच में पड़ गई। मेरा पति और ये खड़ूस, कभी नहीं। इससे अच्छा तो वो भूतिया हवेली वाला पति है जो कम से कम शादी के बाद से मुझसे दूर दूर तो रहता है, मैं अपनी लाइफ जी तो पा रही हूँ, लेकिन ये विराज तो। ईशानी आगे कुछ सोच पाती उससे पहले डॉक्टर रवानी ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसका इलाज करने लगी। ईशानी को ज्यादा दर्द नहीं हुआ क्योंकि उसने इससे पहले भी बहुत दर्द सहा है। ईशानी 10 मिनट में अपना इलाज कराकर नीचे खड़े विराज के कार में जाकर बैठ गई। अपना टैब चला रहे विराज ने जब ईशानी की तरफ देखा तो दंग रह गया। ईशानी के खूबसूरत से चेहरे पर खून से सना बैंडेज लगा था। विराज ने हैरानी से पूछा, मिस ईशानी, तुमने तो कहा था कि फीवर है, फिर ये गहरी चोट कैसे? ईशानी ने बात को पलटते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर रवानी के पास क्लिनिक में हूँ? कार के ड्राइवर सीट के बगल में बैठे एपी ने ईशानी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमने आपके फोन को ट्रैक किया था ये जानने के लिए कि आपकी कुछ ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब। ईशानी ने मन में सोचा, अगर ये लोग इतना कुछ जान सकते हैं तो कहीं। तभी विराज ने कहा, नहीं, वो मैं नहीं जानता जो तुम छुपाना चाहती हो। मैं केवल इतना जानता हूँ जितने में मेरी कंपनी का कोई नुकसान ना हो। आप कोई अंतर्यामी हो क्या और जो मेरे मन की बात सुन लेते हो? नहीं, लेकिन तुम इतनी तेज आवाज में सोचने के साथ साथ बोलोगी तो सुन ही लूंगा। विराज की बात सुनकर ईशानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ईशानी जब भी कुछ सोचती थी तो उसके होंठ उसे दोहराते थे, इसलिए उसके सामने वाला इंसान उसके दिल की बात सुन लेता था। कुछ ही घंटों में कार शहर से दूर कई एकड़ में फैली प्रॉपर्टी के एक फार्म हाउस पर रुकी। कार से बाहर निकलकर उस जगह को देखते ही ईशानी के मुंह से निकला, वाव, कितनी सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियालियां ही हरियालियां। तभी एबी ने उसे टोकते हुए कहा, पहले मुंह तो बंद करो ईशानी मैडम। ईशानी ने अपना मुंह बंद करते हुए एबी से पूछा, अगर आपका मजाक उड़ाना हो गया हो तो आप बता दो हम यहाँ क्यों आए हैं। ईशानी, आज सर का शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रौनक गांधी के साथ गोल्फ कॉम्पिटिशन है, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स यहाँ गोल्फ खेलने आने वाले हैं। अब आप जाइए और सर को रेडी करने में हेल्प करिए, फार्म हाउस का सबसे बड़ा कमरा सर का है। ईशानी एपी के बताए कमरे में चली गई, वहाँ कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन बेड पर विराज के कपड़े देखकर ईशानी समझ गई कि ये रूम मिस्टर ओबरॉय का है और वो जल्दी जल्दी अपने हथियार मतलब कि मेकअप प्रोडक्ट्स निकालने लगी। तभी उसने अपने मन में सोचा, कैसा आदमी है विराज ओबरॉय जो खेलने के लिए भी अपना मेकअप करवाता है, हद है। तभी पीछे से ईशानी के गर्दन पर रखे बालों को हटाते हुए विराज ने कहा, हद तो है।
लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारे झूठ। ईशानी घबरा गई और झट से पलटते हुए विराट से कहा, मिस्टर ओबराय आप तो। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले विराट ने अपने गले में लपेटे टॉवल को बेड पर फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? विराज के सवाल पर ईशानी ने जब विराज पर अपनी नजर फेरी तो वो चुप हो गई। सिर्फ कमर में टॉवल लपेटने की वजह से विराज की पूरी बॉडी दिख रही थी। सीने से लेकर पेट तक में छह छह पैक उभर कर आ रहे थे। लड़का नहाया हुआ सिर्फ टॉवल में मुझे सिक्स पैक के साथ किसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन ईशानी ने अपने मन की बात दबाते हुए विराज को उल्टा जवाब दिया, मिस्टर ओबेरॉय मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपको देखने नहीं। प्लीज आप आकर चेयर पर बैठ जाइए, मुझे आपका मेकओवर करना है। ईशानी की बातों ने विराज को दोबारा हर्ट किया, लेकिन विराज ईशानी को कुछ बोले बिना चुपचाप चेयर पर आकर बैठ गया। मेकओवर के बाद विराज ने जब शर्ट पहनी तो देखा कि उसका एक बटन टूटा हुआ है। ईशानी एक स्टाइलिस्ट थी तो उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन था। उसने बैग से झट से सुई धागा निकाला और बटन टाँकने लगी। कुछ देर में ही बटन टक हो गया और ईशानी ने धागे को काटने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया। ईशानी ने जल्दी जल्दी में अपने दांतों से विराज के सीने को काट लिया। विराज जोर से चीखा, ओह सॉरी 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 मिस्टर ओबेरॉय, मैं बस बटन के धागे को काट रही थी कि पता नहीं कैसे मैंने। ईशानी को लगा था कि विराज उसे आज तो पक्का नौकरी से निकाल देगा, लेकिन इसने ठीक उल्टा किया। विराज ने बड़े आराम से अपने जख्मों को सहलाते हुए कहा, काफी नुकीली दांत है तुम्हारे, पिछले जन्म में कहीं जंगली बिल्ली तो नहीं थी? लड़खड़ाते हुए जुबान में ईशानी, नहीं मैं तो वो, लेकिन आपको तो दर्द। ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती या विराज उसे सुन पाता उससे पहले वहाँ एपी आ गया। सर सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए, गोल्फ की पूरी तैयारी हो चुकी है। एपी में जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर में ईशानी को साथ लेकर आना, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके सर। विराज अपना गोल्फ स्टिक और कोट लेकर तेजी में कमरे से बाहर निकल गया। तभी ईशानी ने एपी से कहा, अजीब है ये शख्स, एपी आप कैसे रह लेते हो मिस्टर ओबेरॉय के साथ? आप जैसा समझ रही है सर वैसे बिल्कुल नहीं है, उन्हें बस झूठ से नफरत है, अच्छे के साथ सर बहुत अच्छे है। एपी की बात से ईशानी बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, क्योंकि वो जिस विराज से मिली थी वो उसके लिए दुनिया का सबसे बुरा शख्स था और उससे झूठ बोलना ईशानी का लाजमी था। ईशानी ने एपी की बातों से सोचा, ये तो विराज का अंधभक्त है, इससे कुछ कहना मतलब पत्थर पर सर पटकना। इसीलिए ईशानी चुपचाप एपी के साथ प्लेग्राउंड में पहुंच गई। वहां देखा तो विराज दमदार शॉट मार मार के सभी लड़कियों के दिल पर राज कर रहा था। तभी ईशानी पर रौनक गांधी की नजर पड़ी और वो ईशानी की खूबसूरती देखकर पागल हो गया। उसने अपने मैनेजर को बुलाकर पूछा, एपी के साथ जो लड़की खड़ी है वो कौन है? सर वो विराज सर की पर्सनल स्टाइलिस्ट है। रौनक अपनी गंदी नजर ईशानी पर रखते हुए उसके पास गया। हेलो मिस ईशानी, आप खुद खूबसूरत होने के साथ दूसरों को भी खूबसूरत बना देती है, मानना पड़ेगा। स्टाइलिस्ट के रूम में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है विराज पर आपने। ईशानी उसकी बातों से असहज हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी रौनक के कंधों पर एक हाथ दमदार हाथ पड़ा, यह हाथ विराज का था। रौनक तुम ये क्या कह रहे हो? मैं देख रहा था कि ईशानी में ऐसी क्या बात है जो विराज ने पहली बार मेल स्टाइलिस्ट की जगह फीमेल स्टाइलिस्ट रखा हुआ है। रौनक की हरकतों को विराज अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने ईशानी से कहा, मिस ईशानी तुम्हें जल्दी से आने को कहा था, इतना लेट क्यों हो? जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे टीम में खेलना है। सॉरी रौनक, मुझे ईशानी को अपने साथ ले जाना होगा। कुछ देर साथ चलने के बाद ईशानी ने विराज से कहा, मिस्टर ओबेरॉय मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता, मैं नहीं खेलूंगी, मेरा काम केवल आपके लुक को रेडी करना है, ना कि गोल्फ खेलना, मैं जा रही हूँ। ईशानी गोल्फ खेलने से मना कर कर कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि विराज ने अपना पासा फेंक दिया, मिस ईशानी अगर तुम एक भी बॉल सही से हिट की तो मैं तुम्हारा 1,00,000 का कर्ज माफ कर दूंगा। ईशानी ने कर्ज कम होने के नाम पर गोल्फ स्टिक से आंखें बंद करके एक शॉट मार ही दिया। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। ईशानी ने एक आंख खोल कर देखा तो सभी ईशानी की शॉट से हैरान थे, बॉल एकदम सही जगह पर गई थी। प्लेग्राउंड में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई, ईशानी खुश होकर उछल पड़ी।
ये मैंने कर दिया, मेरे 1 लाख माफ हो गए। ईशानी और बाकी लोग जहाँ खुश होकर तालियां बजा रहे थे, वहीं ईशानी के बगल में खड़ा विराज अचानक गुस्सा हो गया और ईशानी के बाहों को जोर से दबाते हुए कहा, तुम मेरे करीब आने का बहाना क्यों ढूंढते रहती हो? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पहले भोली बनकर दिखाती हो और फिर क्या मिस्टर ओबेरॉय, बताइए ना फिर क्या? ईशानी पूछते रही लेकिन विराज कुछ बोले बिना वहाँ से निकल गया। तभी ईशानी ने कहा, क्या हो गया मिस्टर ओबेरॉय, कौन हो आप, मुझे समझ क्यों नहीं आते? पहले खुद ही कहा खेलने को, फिर खुद गुस्सा होकर चले गए। उधर अपने कमरे में जा रहे विराज के पास उसकी दादी का कॉल आया। हेलो विराज बेटा। जी दादी बताइए। तुझे जैसे भी शादी की मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तू कान खोलकर सुन ले, मुझे 1 साल के अंदर परपोता चाहिए। दादी आगे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विराज ने फोन को जमीन पर पटक दिया और दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, उस लड़की के साथ बच्चा क्या, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करूँगा, नफरत है मुझे उस शीना से, नफरत। उस दिन के बाद कई रातें बीत गई। विराज ने बहुत बार कोशिश की कि ईशानी उसके साथ काम करने के लिए मान जाए, लेकिन उस दिन के बाद ईशानी ने तय कर लिया था कि वो रोड पर भीख मांग लेगी लेकिन उस विराज के साथ काम नहीं करेगी। एक रात काम से घर लौटते समय ईशानी तेज बारिश में फंस गई। बस स्टॉप पर खड़ी ईशानी की 2 बसें छूट चुकी थी। बस स्टॉप पर अकेली खड़ी ईशानी ने अपनी मॉम को फोन लगाया। हेलो मॉम, मॉम करण भाई कैसे हैं? मॉम मैं आधे पैसे 1-2 दिन में भेज दूंगी, प्लीज आप करण भाई का इलाज मत रोकना। ठीक है। इतना कहकर मालिनी ने ईशानी का फोन कट कर दिया। हेलो हेलो मॉम, मॉम मैं करण भाई से मिलना चाहती हूँ। हेलो। ईशानी ने अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान से कहा, अगर मेरी झोली में दुखी लिखना था तो कम से कम 1 वजह खुश होने की भी दे देते। मेरी बस छूट गई है, पर्स में इतने पैसे नहीं है कि कैब लेकर घर जा सकूं। कोई अपना ही नहीं जिसे कॉल करके बुला सकूं। क्या सोच कर लिखी थी आपने मेरी किस्मत। ईशानी भगवान जी से अपनी लड़ाई कंटिन्यू कर पाती उससे पहले ही उसके फोन की फिर से रिंग बजी। उसने सोचा कि मॉम होगी। फोन उठाते ही ईशानी ने कहा, हेलो मॉम, मुझे पता था अब दोबारा कॉल जरूर करेंगी। मॉम मैं यहीं फंस गई हूँ, आप आ जाओगे ना मुझे लेने? तभी फोन की दूसरी साइड से आवाज आई। मैम मैं एपी बोल रहा हूँ, सर जानना चाहते हैं कि क्या आप रेडी हैं सर के साथ काम करने के लिए। ईशानी का दर्द एपी की आवाज सुनकर गुस्से में बदल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, मैं 1 साल के अंदर आपके पैसे चुका दूंगी, आप लोग समझते क्यों नहीं। ईशानी ने अपनी बात कहकर फोन कट कर दिया और बस स्टॉप पर लगे चेयर पर बैठ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद ईशानी ने फिर से भगवान जी से कहा, आप रोने तक नहीं देते मुझे, ठीक है अगर आप मुझे दुख देते देते नहीं थकते तो मैं क्यों थकूं? मैं भी लड़ूंगी अपने हर दुख से परेशानी से। चल ईशानी मेट्रो स्टेशन पास में ही है, पैदल चल ले, थोड़ी ही बारिश है। ईशानी ने चेयर से उठकर भारी बारिश में मेट्रो स्टेशन तक जाने का फैसला किया। वो जैसे ही चेयर से उठकर बारिश की ओर बढ़ी वैसे ही किसी ने उसके सिर पर छाता रख दिया। ईशानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपने हाथों में छाता पकड़े विराज खड़ा था। आपको किसने कहा मेरी हेल्प करने को? आपने क्या कहा था कि मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। मिस ईशानी क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इस मंथ मुझे इंस्टॉलमेंट के पैसे क्यों नहीं भेजे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे दिए बिना बारिश में भीगकर बीमार होकर मर जाओगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। अजीब है आप मिस्टर ओबेरॉय, कुछ पैसे के लिए आप यहाँ तक आ गए। दे दूंगी मैं आपके पैसे, कल सैलरी आ जाएगी मेरी, अब जा रही हूँ मैं। रुको, जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए मेरे साथ मेरे छाते में चलोगी या फिर कार में, समझी? और हाँ विराज ओबेरॉय सब कुछ सह सकता है लेकिन अपना लॉस कभी नहीं सह सकता। ईशानी ने सोचा कि अगर वो दोबारा विराज को मना करेगी तो उसे शक होगा कि मैं उसके पैसे लेकर भाग रही हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ जाना ही होगा। मिस्टर ओबेरॉय मैं मेट्रो स्टेशन तक जा रही हूँ, अगर आप चाहे तो साथ चल सकते हैं, ये आखिरी मेट्रो है मेरी। ओके। विराज और ईशानी एक साथ एक छाते में साथ चलने लगे। तेज बारिश के झोंके दोनों को बार बार भिगो रही थी। विराज ने आधे से अधिक छाता ईशानी पर तान रखा था। कुछ देर में ही मेट्रो स्टेशन आ गया।
ईशानी विराज को थैंक्स बोलकर जाने ही वाली थी कि तभी ईशानी के फोन पर उसकी बहन शीना का कॉल आया। ईशानी की बहन ने कुछ ऐसा कहा कि ईशानी भारी बारिश में घुटनों के बल बैठकर जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। विराज ईशानी की ऐसी हालत देखकर घबरा गया और छाती को फेंक कर ईशानी को संभालने लगा। क्या हुआ मिस ईशानी, तुम ठीक तो हो? सब ठीक है ना? ईशानी ने विराज को जोर से धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, आप जब तक मेरी लाइफ में हो कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप जब भी मुझसे मिलते हो मेरे लिए मुसीबत लाते हो। जिस दिन से मेरी लाइफ में आए हो मेरी बर्बादी की वजह बन गए हो। जाओ यहाँ से, कभी मेरे पास मत आना। पहले मेरा सिद्धार्थ और अब ये सब। दिल्ली की बारिश हमेशा दो दिलों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन आज की बारिश ने विराज और ईशानी के दिलों को तोड़ने का काम किया। क्या कहा शीना ने ईशानी से ऐसा कि वो टूट कर बिखर गई? क्या कभी दूर होगी विराज और ईशानी के बीच की गलतफहमियां? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड। In meter charge, there's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. They just fired a starting gun. 4, 3, 2. That's happening, isn't it? 1. Academy Award-winning film Oppenheimer, now streaming on Jio Cinema in English and Hindi. ना चाहते हुए भी विराज को उस हालत में ईशानी को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि ईशानी चाहती थी कि विराज उससे दूर चला जाए। विराज के जाते ही ईशानी ने शीना को दोबारा कॉल लगाया। हेलो शीना, शीना प्लीज बता दो करण भाई कहाँ है। प्लीज शीना, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा पागल भाई कहाँ है, और हाँ और ना ही जानना चाहती हूँ। तुम्हें इतनी फिक्र है तो जाओ जाकर ढूंढ लो उस पागल को। इतना कहकर शीना ने ईशानी का फोन कट कर दिया। ईशानी सड़कों पर लिफ्ट लेने के लिए लोगों से मिन्नतें करती रही, लेकिन सड़क पर ऐसे पागल की तरह भागती ईशानी के लिए किसी ने अपने कार के दरवाजे नहीं खोले। ट्रैफिक के शोर के बीच ईशानी लोगों से हेल्प मांगती रही। एक तेज रफ्तार कार ने ईशानी को बीच सड़क पर खड़ा देखकर ब्रेक मारा और उस पर चिल्लाया, अरे ओ महारानी, मरना है तो किसी और के कार के आगे जाकर मरो, मेरे कार के आगे नहीं। सॉरी भैया सॉरी। तभी ईशानी के पीछे से एक कार ने फिर से ब्रेक मारी और वो भी उस पर चिल्लाया, अरे ओ लड़की हट सामने से जल्दी, अभी ब्रेक नहीं मारता तो फूलों पर हाल चढ़ जाते तेरे, अंधी कहीं की। ईशानी ये सब झेल ही रही थी कि तभी ईशानी के पास एक और कार आकर रुकी और उस कार से एक अनजान शख्स निकला जो उस पर चिल्लाया नहीं बल्कि प्यार से हेल्प करने की बात की। उस अनजान शख्स ने ईशानी से कहा, मे आई हेल्प यू मैम, मैं कब से देख रहा हूँ आप कार रुकवा रुकवा के हेल्प मांग रही है। भगवान ने ईशानी की सुन ली और वो तेजी से उस अनजान शख्स की कार में बैठ गई। भैया जल्दी से दिल्ली से की ओर गाड़ी ले लो, भैया जल्दी करो। उस अनजान शख्स ने ईशानी के कहने पर कार ड्राइव करना शुरू किया और अपने फोन में व्हाट्सएप ऑन कर मैसेज किया, सर ईशानी मैम मेरी कार में बैठने के लिए मान गई है और मैं उन्हें उनके बताए पते पर लेकर जा रहा हूँ। व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर अपनी कार में बैठे विराज ने एक सुकून की सांस ली। ईशानी की हेल्प के लिए विराज ने ही उस कैब ड्राइवर को वहां भेजा था। उधर ईशानी कार से उतरकर दिल्ली क्षेत्र की सड़कों पर पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने लगी। हर गली हर मोहल्ले में ईशानी गई, जहां उसे लगा कि उसके करण भाई आ सकते हैं वो वहां वहां गई, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी मिली। तभी उस अनजान शख्स ने ईशानी से कहा, मैम पहले आप शांत हो जाइए, फिर सोचिए कि जिसे आप ढूंढ रही है वो कहाँ जा सकते हैं। ईशानी ने उस अनजान शख्स की बात मान ली और सड़क के किनारे लगे फुटपाथ पर आंखें बंद करके सोचने लगी। वहीं ईशानी के पास खड़े शख्स ने विराज को मैसेज किया, सर जैसा आपने कहा मैम से कहने के लिए वैसा ही कह दिया मैंने मैम से, वो सोचने की कोशिश कर रही है। तभी ईशानी दबाक से फुटपाथ से उठ गई और तेजी से मेहता हाउस के पास बन रही न्यू बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर ईशानी ने अपने भाई को आवाज लगाई, करण भाई करण भाई, देखो आपकी ईशानी आ गई, कहाँ हो आप? करण भाई प्लीज सामने आ जाओ वरना आपकी ईशानी टूट जाएगी।
ईशानी रोते हुए अपने भाई की आवाज़ सुनना चाहती थी, लेकिन जब करण की आवाज़ नहीं आई तो वो और घबरा गई। तभी उस अनजान शख्स ने ईशानी से कहा, मैम वो देखिए, कहीं वो वही तो नहीं जिसे आप ढूंढ रही हो। ईशानी ने जब नजरें उठाकर देखा तो करण बिल्डिंग के एकदम किनारे पर खड़ा था, जैसे कि वो वहां से कूदने की तैयारी में हो। तभी ईशानी ने दौड़कर करण भाई को पीछे की ओर खींच लिया। दोनों पीछे की ओर काफी तेजी से गिरे। करण भाई, आप ये क्या कर रहे थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी ये ईशानी भी मर जाती। ईशानी, मैं तो मरने आया था। उस गंदी शीना ने बताया था कि मुझे पापा के पास जाने के लिए मरना होगा। उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ से जंप करूँगा तो पापा मिल जाएंगे। चलो ईशानी, पापा के पास चलते हैं। ईशानी ने करण को समझाते हुए कहा, करण भाई, पापा ने मुझे कॉल करके कहा था कि वो चलते चलते बहुत दूर चले गए हैं। वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तब तक आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना ईशानी की बात? ओके ईशानी, लेकिन मैं उस शीना के पास नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना मालिनी मॉम के पास। वो सब बहुत गंदे हैं। मुझे मारते भी है, खाना नहीं देते, टॉय भी नहीं देते। बहुत गंदे हैं वो, बहुत गंदे। ईशानी ने सोचा कि अगर इस बार वो करण से दूर हुई तो पक्का करण को हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए वो करण को अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाती है। ओके करण भाई, चलो फिर मेरे घर चलते हैं। लेकिन रुको, मैं वो कार वाले भैया को थैंक यू बोल दूं जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। कैब वाले भैया? कैब वाले भैया? अरे वो अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए, पैसे भी नहीं लिए। छोड़ो ना ईशानी उनको, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ईशानी ने करण की बात मान ली, लेकिन ईशानी करण को लेकर अपने सीक्रेट हस्बैंड के घर नहीं गई। ईशानी करण को लेकर उस 1RK के फ्लैट पर चली गई, जहां उसने अपने और सिद्धार्थ की यादों को एक रेंट के 1RK के कमरे में कैद रखा है। करण ने ईशानी से उस अनजान जगह के बारे में पूछा। ईशानी, ये हम कहां आ गए? कितनी छोटी जगह है, यहां तो मेरे टॉय भी नहीं रह सकते, तो मैं कैसे रहूंगा? करण यहां नहीं रहेगा। करण भाई, हम बस कुछ दिनों के लिए यहां रहेंगे, फिर आपकी ईशानी आपको बड़े से घर में ले जाएगी। तब तक रह लो आप यहाँ पर। ओके ईशानी, जहाँ करण की ईशानी रहेगी वहाँ करण रहेगा। ईशानी, अब भूख लगी है करण को, जल्दी से खाना लाओ। ईशानी, ठीक है, आप बैठकर ड्राइंग बनाइए, मैं जल्दी से कमरा साफ करके आपके लिए खाना बनाती हूँ। ईशानी करण को ड्राइंग पेपर देकर कमरे की सफाई में लग गई। सिद्धार्थ की एक यादों को ईशानी ने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं के साथ समेटना शुरू किया। कुछ देर में वह छोटा सा 1RK का कमरा करण और ईशानी के गुजारा करने लायक बन गया। तभी ईशानी की नजर करण पर गई। करण को मुस्कुराता देख ईशानी को विराज की याद आ गई। ईशानी ने खुद से सवाल करते हुए सोचा, मुझे उस विराज की याद क्यों आई? नहीं, मैंने गुस्से में उसे ज्यादा तो नहीं सुना दिया, वो तो बस अपने पैसे मांगने आया था। और मैंने कहीं मिस्टर रुबरोय गुस्से में मेरा करियर न खराब कर दे। ईशानी की सोच को ब्रेक लगाते हुए करण ने कहा, ईशानी देखो मैंने क्या बनाया है। ईशानी ने जब करण की ड्राइंग बुक देखा तो वो हैरान हो गई। उसने बाइनरी नंबर में कोड लिखा था जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही बना सकते हैं। ईशानी ने हैरानी से पूछा, करण भाई आपने ये क्या बनाया है और आपने कब सीखा बाइनरी नंबर लिखना? ईशानी किसी को मत बताना। ईशानी ये करण का सीक्रेट है, तुम किसी को नहीं बता सकती। ओके, ये संजय डाट के लॉयर का नंबर है, मैंने तुम्हारी बुक से देखकर सीखा है। क्या आपने मेरी बुक पढ़ी? हाँ, करण ने ईशानी की सभी बुक पढ़ी है। ईशानी अपने करण भाई में हो रहे बदलाव को देखकर हैरान थी और बहुत खुश भी। जिस बुक को पढ़ने और समझने के लिए सालों साल बच्चे कंप्यूटर क्लास करते हैं, उसे करण ने घर बैठे बैठे पढ़ और समझ लिया था। ईशानी ने सोचा, मतलब कि मालिनी मॉम ने सही कहा था, करण भाई में चेंजेस हो रहे थे, दवाइयाँ असर कर रही थी। लेकिन ऐसा क्या किया उन लोगों ने कि करण भाई सुसाइड करने चले गए? अभी तक किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्या बात हो सकती है? तभी ईशानी के पास करण का इलाज कर रहे डॉक्टर का फोन आया। ईशानी ने फोन उठाते ही खुशी से कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपके इलाज से मेरे करण भाई में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बस ईशानी, तब तक तुम लोग बहाने करते रहोगे, जल्द से जल्द इलाज के पैसे भेजो वरना जेल जाने के लिए रेडी रहो। कैसे पैसे डॉक्टर? मैं तो हर महीने करण भाई के इलाज के लिए पैसे भेजते रहती हूँ। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं आए हैं। मालिनी जी ने कहा था कि मैं तुमसे पैसे मांग लूं,
क्योंकि तुम आप ओबेरॉय खानदान की बहू हो। मुझे 2 दिन के अंदर मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारे भाई का इलाज रोक दूंगा, प्लस तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। ईशानी के मन में जो सवाल चल रहे थे वो डॉक्टर की बातों से एक एक करके क्लियर हो गए। ईशानी को यह समझते देर नहीं लगी कि मालिनी ने ईशानी के भेजे पैसों से करण का इलाज नहीं कराया था, और जब पैसे देने की बारी आई तो उसे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। छी, कैसी माँ है आप मालिनी मेहता, अपने ही बच्चे को अनाथों की तरह मरता छोड़ दिया सिर्फ पैसों की लालच में। डैड क्यों चले गए आप हमें छोड़कर, बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, बहुत अकेली। मालिनी मॉम आपको बताना ही होगा कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ईशानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने फोन से अपनी मॉम मालिनी का नंबर डायल किया। मालिनी मॉम, आपने मेरे और करण भाई के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। और हाँ, तो मॉम सो रही है, उस पागल के टेंशन में परेशान थी तो मैंने सुला दिया। शीना, मॉम को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे जानना है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, डॉक्टर की फीस तक नहीं दी। तो तुम दे दो, वैसे भी उस पागल के इलाज पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अपने मेकअप के लिए लगा लूं, कम से कम उसका अच्छा रिजल्ट तो आता है। श्रीना, बस बहुत हुआ, तुम मॉम को फोन देती हो या नहीं? नहीं, और आज के बाद फोन मत करता, तुम दोनों मरो या जियो हमें कोई मतलब नहीं है। ईशानी ने गुस्से में फोन को दीवार पर दे मारा और नीचे फर्श पर बैठकर अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। तभी करण ने कहा, देखो ईशानी, मैंने ये नंबर भी बाइनरी नंबर में बदल दिया, देखो ना ईशानी, देखो। ईशानी ठीक से रो भी नहीं पाई थी कि करण ने आकर उसे अपनी एक और काबिलियत दिखा दी। ईशानी अब समझ गई कि करण एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर उसका इलाज किसी डॉक्टर से कराया गया तो। ईशानी ने तय किया कि चाहे जो हो जाए वो करण के इलाज को नहीं रोकने देगी, दुगनी मेहनत करेगी, रात दिन एक कर देगी, लेकिन इलाज को नहीं रुकने देगी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं करण भाई से संजय डाक के लॉकर का नंबर लेकर पैसे चुरा लूं? उनके पैसों पर हमारा भी तो हक है, करण भाई के नाम पर मुझसे पैसे लेते रहे और अपने ऐशो आराम में सब लुटाते रहे, यहाँ तक कि अपने फायदे के लिए मुझे उस ओबेरॉय के बेटे से शादी करा दी जिसने मेरी लाइफ हेल कर दी है। मैं आज रात ही पैसे चुराने जाऊंगी। कुकर की सीटी ने चोरी का प्लान बना रही ईशानी को होश मिला दिया। जीरा राइस बना रही ईशानी ने कुकर खोलकर जल्दी जल्दी चावल प्लेट में रखे और अपने करण भाई को खिलाने लगी। खिलाते खिलाते फिर वो अपनी सोच में डूब गई। नहीं नहीं ईशानी, तू चोरी नहीं कर सकती, तेरे डैड ने तुझे इतने गलत संस्कार तो नहीं दिए है कि तू चोरी करे, कुछ और सोच और जल्दी सोच। तभी ईशानी की उंगलियों को जलन महसूस हुई और उसके मुंह से चीख निकल गई, आउच, करण भाई ये क्या है, क्यों काटी मेरी उंगली? मजा आया, ये करण ने ईशानी को पनिश किया है, ईशानी करण से नहीं बात कर रही। अच्छा, तो आप अपनी ईशानी को पनिश करोगे, ठीक है, फिर ईशानी भी आपको पनिश करेगी ढेर सारा खाना खिलाकर, चलो जल्दी जल्दी खाओ। ईशानी ने खाना खिलाते हुए भगवान से कहा, भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ। ईशानी ने भगवान को क्या पुकारा, भगवान ने झट से उसकी सुन ली और उसके फोन पर विराज ओबेरॉय का मैसेज स्लाइड हुआ, मिस ईशानी, मैं तुम्हारे कर्ज के 2 लाख रुपए माफ करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में, ये लास्ट ऑफर है मेरा। क्या अपने भाई के इलाज के लिए ईशानी करेगी विराज का ऑफर एक्सेप्ट? क्या ईशानी चुका पाएगी समय पर डॉक्टर की फीस या जाएगी जेल? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड। ईशानी रात में अपने करण भाई के साथ उस 1RK के फ्लैट पर ही रुकी थी। वहीं बिस्तर पर करवटे बदलते बदलते ईशानी की पूरी रात गुजर गई। वो पूरी रात बस मिस्टर ओबेरॉय के ऑफर के बारे में सोचती रही, क्या मेरा मिस्टर ओबेरॉय के साथ काम करना सही होगा, कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। सुबह होते ही ईशानी ने एक रोबोट की तरह काम करना शुरू किया। 1 घंटे में उसने खाना बना लिया और खुद भी तैयार हो गई। करण के लिए कुछ कंप्यूटर्स के बुक्स और एक मैसेज छोड़ गई। विराज के ऑफिस के नीचे खड़े होकर ईशानी ने एक लंबी सांस ली और रिसेप्शन पर जाकर विराज के केबिन का पता पूछा। हेलो, क्या आप मुझे मिस्टर विराज ओबेरॉय का केबिन बता सकती हैं? मैं उनकी स्टाइलिस्ट हूँ। मैम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है सर से मिलने का? नो, बट कल रात मैसेज करके मिस्टर ओबेरॉय ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था।
मैम, यहाँ आप जैसे बहुत लोग आते हैं जो विराज सर से मिलने का बहाना बनाते हैं, लेकिन आपने तो अलग ही लेवल का बहाना ढूंढा है। ईशानी नहीं जानती थी कि उसने सच बताकर ऑफिस के लोगों में अपना मजाक बनवा लिया था। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, आप बस उनको बुलवा दीजिए। ये कहकर ईशानी वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। रिसेप्शनिस्ट ने ईशानी को जब वेट करता देखा तो उसने ऑफिस के अनऑफिशियल ग्रुप में मैसेज किया, यार ऑफिस में एक बिच आई है जो खुद को विराज सर की फीमेल स्टाइलिस्ट बता रही है। देखते ही देखते रिसेप्शनिस्ट के इस मैसेज पर रिएक्शन की बौछार लग गई। कहीं वो लड़की विराज सर की आग बुझाने तो नहीं आई है? भाई हॉट होगी तो पक्का यही करने आई होगी, वरना विराज सर और फीमेल स्टाइलिस्ट कोई चांस ही नहीं। तभी रिसेप्शनिस्ट ने वेटिंग रूम में बैठी ईशानी की पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दिया। पिक देखने के बाद तीसरे ने मैसेज किया, लो जी हमने सोचा हॉट बियर होगी लेकिन ये तो देसी महुआ निकली। विराज सर इसे स्टाइलिस्ट क्या अपना कुक बिना रखे, निकालो इसे ऑफिस से। रिसेप्शनिस्ट ऑफिस के ग्रुप मैसेज देखकर हंसी रही थी कि वहाँ एपी आ गया। एपी ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, अगर कोई ईशानी मेहता आए तो उसे डायरेक्ट ऊपर विराज सर के केबिन में भेज देना। ईशानी मेहता नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए एपी से कहा, सर वो आ गई है, वहाँ वेटिंग रूम में वेट कर रही है। व्हाट? ओह नो, सर कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ है वो? सर वहाँ राइट साइड पर। एपी जल्दी से ईशानी के पास पहुँच गया और उसे खुद के साथ लिफ्ट से ऑफिस के 15th फ्लोर पर ले गया। ऑफिस इतना आलीशान था कि ईशानी की आंखें चमक उठी थी। इससे पहले भी ईशानी ने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया था, अच्छे अच्छे ऑफिस में गई थी, लेकिन विराज ओबेरॉय के ऑफिस की कुछ और ही बात थी। ईशानी ने एपी से पूछा, एपी क्या आपको पता है कि मिस्टर ओबेरॉय ने मुझे यहाँ आज किस काम के लिए बुलाया है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाएगा। एपी आप अपनी अंधभक्ति कब छोड़ेंगे, एपी ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी सर का केबिन आ गया, आप अंदर जाइए, सर आपका कब से वेट कर रही है। ईशानी जब एपी के कहने पर अंदर गई तो उसने विराज को एक एम्प्लॉय पर चिल्लाते देखा, क्या तुम्हें नहीं पता विराज ओबेरॉय सब कुछ सह सकता है लेकिन अपना लॉस कभी नहीं सह सकता, फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रेजेंटेशन देने जा ही रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ का कॉल आ गया था, उसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी थी इसलिए 5 मिनट लेट हो गया था। विराज ने उसकी एक ना सुनी और उसे ऑफिस से रिजाइन देने का ऑर्डर दे दिया। विराज के ऑर्डर के बाद वो एम्प्लॉई जाने के लिए जैसे ही पलटा, सामने खड़ी ईशानी से टकरा गया। तभी विराज की नजर भी ईशानी पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई। एम्प्लॉई ईशानी से सॉरी बोलकर जा ही रहा था कि विराज ने उसे रोक लिया। रुको, आज मेरा लकी डे है इसलिए तुम्हें आज मैं छोड़ता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम यू मेक श्योर कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। एम्प्लॉई खुशी से विराज को थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बोलकर निकल गया। तभी विराज ने अपने सामने खड़ी ईशानी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, गुड डिसीजन मिस ईशानी, मैं अभी अपने HR टीम को बुलाकर तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर रेडी कराता हूँ। थैंक यू मिस्टर ओबेरॉय, अब काम की बात करें, मुझे आज आपने क्यों बुलाया है? विराज टेबल पर रखे ब्लैक कॉफी को उठाकर पीने लगा और कॉफी पीते हुए ईशानी से कहा, सेकंड गुड क्वेश्चन मिस ईशानी, लेकिन उससे पहले ऑफिस के कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से तुम्हें ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का नाम सुनते ही ईशानी को अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद आ गए और वो गुस्से में आग बबूला हो गई। कॉन्ट्रैक्ट पेपर? नहीं, मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करूंगी। आप अमीरों की प्रॉब्लम क्या है, बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर के कोई काम नहीं होता क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर ने तो मेरी पूरी लाइफ पलट दी है। रिलैक्स मिस ईशानी, ये सिर्फ जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, सभी ऑफिसों में होता है, आपके लिए कुछ अलग से नहीं बनवाया गया है। विराज के याद दिलाने पर कि वो सिर्फ जॉब ज्वाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, वो शांत हो गई और उसने पेपर पर साइन कर दिया। विराज ने ईशानी को पानी ऑफर किया। ईशानी पानी पीते समय विराज पर शक करने लगी, मिस्टर ओबेरॉय इतना स्वीट क्यों बन रहे हैं, क्या बात हो सकती है, नहीं ये फिर से मुझे एक रात के लिए नहीं बोलेंगे ना? नहीं मिस ईशानी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, मुझे एक फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर में जाना है जिसके लिए तुम मुझे रेडी करोगी। विराज की बात सुनते ही पानी पी रही ईशानी को सदमा सा लग गया और उसके मुंह का पानी गले में जाने की जगह बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। ईशानी को खांसता देख विराज उसकी पीठ को सहलाने लगा।
विराज को अपना केयर करता देख ईशानी अनकंफर्टेबल हो गई और खुद को संभालते हुए उसने सोचा, इस बार तो मैंने अपने मन में सोचा था, फिर मिस्टर ओबेरॉय ने कैसे सुन लिया। कुछ बातों का जवाब नहीं होता मिस ईशानी, इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो और फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर में मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ। तुम खुद के लिए कपड़े चूज कर सकती हो, डिजाइनर ने तुम्हारे कपड़े भी रेडी कर दिए हैं। मिस्टर ओबेरॉय, वो आपका फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर है, वहाँ मेरा क्या काम? मिस ईशानी, सवाल मत करो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और ये तुम्हारे काम का ही हिस्सा है। ईशानी ने सोचा कि मिस्टर ओबेरॉय खुद के आगे कभी किसी की नहीं सुनते, इसीलिए बोलना बेकार है, और वो ये सोचकर फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर में जाने के लिए रेडी हो गई। विराज ने ईशानी के लिए रेड वाइन कलर में लॉन्ग गाउन तैयार कराया था। डीप नेक की वजह से ईशानी के कॉलर बोन पर बना बर्थ मार्क साफ साफ दिखाई दे रहा था। विराज उस बर्थ मार्क को देख कर फिर से गहरी सोच में खो गया। तभी ईशानी ने विराज को टोकते हुए कहा, क्या मैं सही लग रही हूँ मिस्टर ओबेरॉय? विराज ने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहा, सही लगने जैसा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं, बट मेरे पास एक नेकलेस है जिसे तुम पहन सकती हो। विराज ने ईशानी को एक नेकलेस दिया, जिसे पहनने के बाद ईशानी के कॉलर बोन पर बना बर्थ मार्क ढक गया। शायद विराज उस बर्थ मार्क को ढक कर खुद को ईशानी के करीब जाने से रोकना चाहता था। ईशानी ने कुछ ही देर में विराज को भी रेडी कर दिया। जब दोनों एक साथ ऑफिस से निकले तो ऑफिस ग्रुप में ईशानी के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों के मुंह पर ताला लग गया। एक ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके कहा, सभी लोग ग्रुप से अपने अपने मैसेज डिलीट कर लो, ये लड़की तो विराज सर की कुछ ज्यादा खास लग रही है। मैसेज पढ़ते ही सभी ने ग्रुप से अपने मैसेज ऐसे डिलीट किए जैसे कि चोर पुलिस को देखकर चोरी का सामान छुपा देते हैं। उधर कार ड्राइव कर रहे विराज को देखकर ईशानी हैरान हो रही थी, क्योंकि विराज ओबेरॉय को ईशानी ने कभी कार ड्राइव करते नहीं देखा था। तभी विराज ने उसे टोका, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मिस ईशानी, जब भी मैं फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं उसे पर्सनल रखता हूँ। विराज ने ईशानी को जवाब देने के साथ साथ कार की स्पीड बढ़ा दी। ईशानी को लगा कि वो किसी नॉर्मल कार में नहीं बल्कि किसी रेसिंग कार में बैठी है। कुछ ही देर में वो जगह भी आ गई जहाँ पार्टी चल रही थी। कार से उतरते ही विराज ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, यहाँ अपना दिमाग मत चलाना। ईशानी विराज को कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि ईशानी इतने बड़ी पार्टी में कभी नहीं गई थी और उस पार्टी में लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना है उसे नहीं पता था। इसलिए ईशानी वही करती गई जो विराज कह रहा था। पार्टी एक बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर चल रही थी। एक साथ इतने सारे अमीरों को देखना ईशानी के लिए बहुत बड़ी बात थी। पार्टी में आए हर एक लड़की ने डिजाइनर कपड़े पहने थे। अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लोगों को देख रही ईशानी को विराज ने दबी आवाज में टोक दिया, मिस ईशानी भूल जाओ कि तुम किसी बहुत बड़ी पार्टी में हो, तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम अपना काम कर रही हो जिसमें तुमसे बेहतर कोई नहीं। चलो अब अपने चेहरे पर स्माइल लाओ, क्योंकि सामने से जो आ रहा है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। विराज के इतना कहते ही वो शख्स उन दोनों के बहुत पास आ गया और उस शख्स ने कहा, दिल्ली का फेमस यंग बिजनेसमैन विराज ओबेरॉय पार्टी में अकेले नहीं किसी लड़की के साथ आया है, इट्स अ मिरेकल। विराज ने झूठी हंसी के साथ ईशानी को उस शख्स से मिलवाया। ईशानी इससे मिलो, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर रोहित खन्ना है और रोहित ये ईशानी है, रोहित खन्ना ने सवालिया नजरों से कहा। ईशानी आगे क्या? ईशानी उसे बताने ही जा रही थी कि वो विराज की स्टाइलिस्ट है। तभी विराज ने ईशानी का हाथ जोर से दबाया और ईशानी चुप हो गई। और फिर विराज ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, रोहित बताया ना मैंने रही थी कि वो विराज की स्टाइलिस्ट है। तभी विराज ने ईशानी का हाथ जोर से दबाया और ईशानी चुप हो गई। और फिर विराज ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, रोहित बताया ना मैंने ये ईशानी है। रोहित ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, अच्छा अच्छा हाँ समझ गया, ये ईशानी है और बहुत खूबसूरत भी। आओ ईशानी, तुम्हें मैं हमारे दो और दोस्तों से मिलवाता हूँ। कहाँ है वो दो? दिख नहीं रहे। अच्छा ईशानी, तुम देख के बताओ सबसे ज्यादा लड़कियों की भीड़ कहाँ है? ईशानी ने पार्टी में नजरें घुमाई और देखा कि स्विमिंग पूल के दूसरे साइड लेफ्ट कॉर्नर पर लड़कियों का एक बड़ा झुंड किसी के ऊपर चढ़ा हुआ था। ईशानी समझ गई कि जिसकी बात रोहित खन्ना कर रहे हैं वो वही होंगे।
ईशानी ने उस तरफ इशारे करते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? ओ हाँ, मैं उनकी ही बात कर रहा था। चलो तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। विराज, तुम साथ चल रहे हो या मैं तुम्हारी ईशानी को ले जाऊँ? क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की को मैं अकेले पार्टी में बोर होता नहीं छोड़ सकता। रोहित, मुझे भी उनसे मिलना ही था, तो चलो साथ चलते हैं। हरियाणा वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी बात करनी है। तीनों स्विमिंग पूल के दूसरे साइड जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि विराज ने ईशानी के कानों में धीरे से कहा, तुम्हें उनके सामने अपने बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़कियों के झुंड को हटाकर किसी तरह जब रोहित उसके पास पहुंचा, तो उसे देखते ही दोनों लड़कों ने लड़कियों को कुछ देर के लिए वहां से जाने को बोल दिया। फिर विराज, ईशानी, रोहित और वो दोनों लड़के चेयर पर बैठकर बातें करने लगे। ईशानी को विराज के साथ देखकर उन दोनों का भी वही रिएक्शन था जो रोहित का था। रोहित के कानों में दोनों ने कुछ कहा, फिर रोहित ने दोनों के कानों में कुछ कहा, और ये सब देखकर ईशानी घबरा रही थी, लेकिन विराज मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि वो लड़के आपस में क्या बात कर रहे हैं। तभी विराज ने उनसे ईशानी को मिलाते हुए कहा, विकी विकी ये ईशानी है और ईशानी ये विकी विकी है, ट्विंस ब्रदर और मेरे कॉलेज फ्रेंड। सभी ने एक दूसरे को हेलो हेलो बोला और फिर कुछ देर वहाँ सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को कम करने के लिए विकी ने कहा, तो ईशानी तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने तो कॉलेज में तुम्हें नहीं देखा। डर से ठंडी पड़ रही ईशानी ने अपने हाथ के पसीने ड्रेस में पोंछते हुए कहा, मैंने एडिशन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, बट लास्ट ईयर पर्सनल इश्यूज की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने भी लास्ट ईयर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं था। तभी विकी ने विकी के झूठ से पर्दा उठाते हुए कहा, चल झूठे मैं बताता हूँ ईशानी, लास्ट ईयर इसने अपनी प्रोफेसर को नशे में प्रपोज कर दिया था, फिर इसे हमारी प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया कॉलेज से निकलवा कर। ईशानी के साथ साथ रोहित, विकी और विराज सब जोर से हंस पड़े। हंसी मजाक के बीच विराज ने देखा कि रोहित ईशानी को इम्प्रेस करने में लगा था। उसे ये पसंद नहीं आया, उसने ईशानी से कहा, ईशानी क्या तुम मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी ले आओगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ओके मिस्टर ओबेरॉय। ईशानी जैसे ही कोल्ड कॉफी लेने के लिए चेयर से उठकर दूर गई, वैसे ही विराज के दोस्तों ने उस पर सवालों के तीर छोड़ दिए। रोहित ने कहा, जब उसे पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हो तो पता है क्या होगा? रोहित की बातों को आगे बढ़ाते हुए रिकी ने कहा, तुम्हें पता है ना विराज, कई सालों से नायरा सिर्फ तुम्हारे प्यार में पागल है, और तुम किसी और के साथ कैसे? विराज ने सभी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमें शॉपिंग करते समय बहुत सारे कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन वो कपड़ा किसी एक का होता है। नायरा के लिए मैं वही कपड़ा हूँ जिसे वो देख सकती है लेकिन खरीद नहीं सकती, क्योंकि मैं भी किसी एक का ही हूँ, और किसका हूँ वो समय आने पर पता चल जाएगा। विराज की बातें सुनने के बाद रोहित ने कहा, हम तो समझ गए, लेकिन उस जिद्दी लड़की को कौन समझाएगा जिसके लिए प्यार एक जिद है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, और वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, ये पूरा दिल्ली जानता है। विराज और रोहित जब नायरा के जिद और पागलपन की हद को लेकर बात कर रहे थे, तभी उनके कानों में नायरा के चीखने की आवाज आई। तेजी में विराज और रोहित जब भाग कर वहां पहुंचे, तो उन लोगों ने देखा कि नायरा ईशानी पर बादलों की तरह बरस रही थी और ईशानी डरी सहमी खड़ी थी। नायरा ने ईशानी पर चिल्लाते हुए कहा, How dare you bloody देसी गवान? तुम्हारी वजह से मेरी लाखों की ड्रेस खराब हो गई। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे अभी सही कर देती हूँ। ईशानी को रोकने के लिए विराज ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि नायरा ने ईशानी के गालों पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। क्या विराज नायरा के सामने देगा ईशानी का साथ? क्या होगा? विराज और ईशानी के बीच पनप रहे रिश्ते का अंजाम जानने के लिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए माय सीक्रेट हस्बैंड। ईशानी के गालों पर पड़े थप्पड़ की गूंज ने पार्टी में हो रहे शोर को चीर के रख दिया। भले ही वो थप्पड़ ईशानी के गालों पर लगा था, लेकिन दर्द विराज को हुआ। सबके सामने और तमाशा ना हो, इसीलिए उसने अपने गले को साफ किया और अपनी टाई को हल्का ढील देते हुए शांत लेकिन अपने दमदार आवाज में बोला, मिस नायरा सिंघल, क्या आपको पता है आपने किस पर हाथ उठाया है?
नायरा के कानों में जब विराज की दमदार शांत आवाज पड़ी तो वो सन्न रह गई। उसने झट से पलटकर देखा तो सामने विराज खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। नायरा ने हैरानी से कहा, विराज तुम यहाँ कैसे? वैसे ही जैसे आप यहाँ पर है, वैसे ही जैसे ईशानी यहाँ पर है। आपने जिसे मारा है वो मेरे साथ इस पार्टी में आई है, ये मेरी गेस्ट है। लेकिन विराज, इसने मेरी ड्रेस खराब की और सॉरी बोलने की जगह मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगी, तो मैंने इसकी औकात इसे ही याद दिला दी। बस नायरा, आपने मेरी गेस्ट की इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। या तो आप इसी वक्त ईशानी से माफी मांगेगी या फिर विराज ओबेरॉय के साथ सभी तरह के रिश्ते खत्म करेगी। चॉइस इज योर्स। नायरा जानती थी कि विराज ओबेरॉय ने अगर किसी से कुछ कह दिया, मतलब कह दिया, उससे वो कभी पीछे नहीं हट सकता। और नायरा किसी भी हाल में विराज को खो नहीं सकती थी, क्योंकि विराज कब नायरा के लिए प्यार से जिद बन गया उसे भी नहीं पता। तभी ईशानी ने विराज से कहा, मिस्टर ओबेरॉय, गलती मेरी थी, मैंने ही मैम की ड्रेस पर कॉफी गिरा दिया था। विराज ने अपनी लाल आंखें ईशानी पर तानी और धीरे से कहा, अगर तुमने एक और वर्ड कहा तो अगला थप्पड़ मैं तुम्हें मारूंगा। ईशानी ने विराज को इतने गुस्से में शायद ही कभी देखा था। वो आज विराज से उतना ही डरी थी जितना वो पहली बार खुद को सुहागरा की सुबह बिना कपड़ों के देख कर डरी थी। विराज ने ईशानी का हाथ पकड़ा और अपनी बात दोबारा दोहराई, मिस नायरा सिंघल, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, आप ईशानी से माफी मांगेगी या फिर मैं वो करूँ जो आप कभी नहीं चाहेंगी? नायरा ने विराज को खो देने के डर से तुरंत अपना रंग बदला और ईशानी से सॉरी बोला। ईशानी ने अपनी डरी सहमी आवाज में उतने ही मासूमियत से नायरा से कहा, नो मैम, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी थी। विराज ईशानी की इस हरकत पर बहुत नाराज हो रहा था। वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा था और ईशानी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ही नहीं थी। वो तो बस नायरा के गुस्से को किसी तरह शांत करना चाहती थी। नायरा ने विराज के सामने ईशानी को गले लगा लिया और कहा, सॉरी ईशानी, इट्स माई मिस्टेक, बिकॉज मेरा फोकस फोन पर था, चलो हाँ माफ भी कर दो मुझे। ईशानी अचानक से बदले नायरा का रूप देखकर दंग रह गई और उसके आसपास खड़े विकी विकी रोहित सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि जब से ये लोग नायरा को जानते हैं तब से अब तक नायरा ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी। नायरा की ईशानी से माफी मांगने पर विराज का गुस्सा भी शांत हो गया। वो नायरा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए वहां से चला गया, लेकिन ईशानी नायरा के सामने अपनी सफाई देने में लगी रही। मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब, मैं यहाँ खुद की मर्जी से नहीं आई हूँ, वो मिस्टर ओबेरॉय मुझे यहाँ लेकर आए थे। नायरा ने बड़े प्यार से ईशानी का हाथ पकड़ा और अपने साथ कमरे में चलने को कहा। ईशानी को पता था कि नायरा ने विराज को दिखाने के लिए माफी मांगी थी, इसलिए ईशानी अपनी सफाई देने के लिए उसके साथ अंदर कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही नायरा ने ईशानी का हाथ तेजी में खींचा और उसे फर्श पर पटक दिया। तुमने कहा था तुम्हारा पति है, फिर तुम मेरे विराज के साथ क्या कर रही हो? तुम जैसी लड़कियां, कितने पैसे चाहिए तुम्हें विराज का पीछा छोड़ने के लिए? बोलो, मैं उससे दो गुना ज्यादा दूंगी। बोलो कितने पैसे चाहिए? मैम, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है फिर से तुम्हें थप्पड़ लगाना पड़ेगा, तुम्हें तो। इतना कहकर नायरा ने जैसे ही अपना हाथ ईशानी को मारने के लिए उठाया, वैसे ही नायरा के हाथ को किसी मजबूत हाथ ने कस कर पकड़ लिया। वो शख्स कोई और नहीं, विराज ओबेरॉय था। नायरा उसे देखकर हड़बड़ा गई और सफाई देने लगी, विराज मैं तो बस इसे समझाने लाई थी। चुप क्यों हो? बोलो ईशानी, बताओ विराज को हम सिर्फ बात कर रहे थे। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही विराज ने गुस्से से भरी अपनी लाल आंखें उस पर फिर से तान दी और नायरा का हाथ छुड़ा कर ईशानी का हाथ पकड़ लिया। ईशानी, जाओ जाकर कार में बैठो। मिस्टर ओबेरॉय, वो मैम की गलती। ईशानी, मैंने कहा जाओ जाकर कार में बैठो, तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो तुम यहाँ से। विराज ईशानी का हाथ पकड़ कर उसे तेजी में खींचता हुआ वहां से निकल गया। नायरा विराज के पीछे दौड़ी, रुको विराज, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। विराज इतने गुस्से में था कि उसने किसी की नहीं सुनी, अपने दोस्तों को भी बाय नहीं बोला। उसने तेजी में ईशानी को कार का गेट खोलकर अंदर ढकेलते हुए बिठाया और खुद कार ड्राइव करके अपने उस घर ले आया जहां वो ईशानी को पहली बार बेहोश होने पर लाया था। ये विराज का अपना विला था जहां वो कभी कभी अकेला महसूस करता था।
तो चला आता था। ईशानी कार में विराज के डर से चुप रही और विराज के घर आने के बाद भी चुपी थी। उसे वैसा देख विराज का गुस्सा और बढ़ गया और वो ईशानी पर चिल्लाने लगा, मेरे सामने तो तुम्हारी जुबान 100 फीट की हो जाती है, लेकिन उस नायरा के सामने तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? विराज की डांट से ईशानी काफी डर गई। वो एक पुतले की तरह खड़ी होकर विराज की बातें सुनने लगी। विराज ने दोबारा पूछा, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे जानना है कि नायरा के सामने तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है। मैं वो आगे कुछ बोलोगी? तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखो ईशानी। विराज के इतना बोलने के बाद भी ईशानी ने कुछ नहीं कहा। विराज को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, इसीलिए विराज का गुस्सा और बढ़ गया। विराज ईशानी पर और नहीं चिल्लाना चाहता था, इसीलिए तेजी में कमरे का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। विराज के जाते ही ईशानी के फोन पर करण के डॉक्टर का कॉल आ गया। मिस ईशानी, आप पैसे दे रही है या फिर हम आपके खिलाफ कंप्लेन करें? आप लोगों ने पहले ही बहुत टाइम दे दिया है। डॉक्टर, मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं पैसों के अरेंजमेंट में ही लगी हूँ। अगर आप शाम तक पैसे नहीं मिले तो कल सुबह पुलिस स्टेशन में हम मिलेंगे। डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, 2 लाख बहुत बड़ी रकम है। हेलो, ईशानी ने उदास होकर खुद से कहा, कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए इतनी जल्दी? तभी दरवाजे से एक आवाज आई, मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपए। ईशानी ने जब दरवाजे की ओर देखा तो विराज अपने हाथों में आइस क्यूब और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ा था। उसने अंदर आकर ईशानी से कहा, तुम मेरे कहने पर पार्टी में गई जो तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में नहीं था, इसीलिए तुम्हें कंपनी 2 लाख रुपए थैंक यू फी देगी, और ये लो आइस क्यूब और फर्स्ट एड बॉक्स से अपनी चोट सही कर लो। मैं नहीं चाहता कि विराज ओबेरॉय की स्टाइलिस्ट ही बदसूरत दिखे। ईशानी उसे थैंक यू बोल पाती उससे पहले ही विराज दोबारा गुस्से में वहां से निकल गया। लेकिन उस वक्त विराज ईशानी के लिए देवदूत बनकर आया, जिसने अनजाने में ईशानी की बहुत बड़ी मदद कर दी थी। तभी ईशानी के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज बैंक से आया था जिसमें लिखा था, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज, इन्फो ओबेरॉय इंडस्ट्री। मैसेज पढ़ने के बाद ईशानी ने गहरी सांस ली और हाथ में आइस क्यूब और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वॉशरूम में लगे मिरर के सामने खड़ी हो गई। मिरर में देख रही ईशानी से बात करते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से ईशानी ने एक मलहम निकाला और उसे मिरर पर लगा दिया। तुम्हें भी तो दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो बचपन से मार खाने की आदत है। ईशानी ने मिरर में दिख रही ईशानी से बात करते हुए फर्श पर बैठ गई और अपने मुंह को हाथों से दबाते हुए जीभ भर के रोई। वॉशरूम में पानी का नल खुला था तो बाहर ईशानी के रोने की आवाज नहीं गई। आधे घंटे तक ईशानी रोती रही, तभी उसकी आंखों के सामने करण की मुस्कुराती इमेज स्लाइड हुई और ईशानी अपने गहरे दर्द से बाहर निकल गई। उसने पानी से अपने फेस को धुला और खुद से कहा, नहीं ईशानी, तू रो नहीं सकती, तुझे अभी बहुत लड़ना है, भाई का इलाज कराना है, काम पर फोकस करना है, ये सब तो लाइफ का एक फेज है, चला जाएगा, लेकिन तुझे चलते रहना है, चल जल्दी से खुद को सही कर और अपना काम खत्म करके घर चल। ईशानी ने पानी से अच्छे तरीके से अपने चेहरे को धुला, फिर उस पर जेल लगाकर वॉशरूम से बाहर निकल आई। वॉशरूम से बाहर आते ही ईशानी को पेट में जलन महसूस हुई। तब उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही मिस्टर ओबेरॉय ने कुछ खाया था। लास्ट टाइम ईशानी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसे इस घर का किचन पता था। ईशानी ने कुक से जाकर पूछा, क्या मैं कुछ बना सकती हूँ अपने खाने के लिए? लेकिन मैम, विराज सर को आपका खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आप मुझे बताइए, मैं बना दूंगा, आप बस मुझे सामान देते जाइए, मैं खुद बना लूंगी। कुक ईशानी को मना नहीं कर पाया, लेकिन उसने साइड में जाकर विराज को इन्फॉर्म कर दिया। विराज काफी गुस्से में था, इसलिए उसने कुक से कहा, उसे जो करना है करने दो, मैं तुम्हें आज पूरे दिन की छुट्टी देता हूँ, जाओ जाकर एंजॉय करो। कुक खुश होकर वहां से चला गया। ईशानी ने चॉपिंग के बाद पलट कर देखा तो कुक वहां नहीं था। फिर ईशानी को जो मिला जैसे मिला वो उसी से खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते वक्त वो एक गाना गुनगुनाने लगी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता
बूटा बूटा हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता। उधर विराज गुस्से में किचन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। विराज की किचन से 100 मीटर की दूरी बची ही थी कि उसे ईशानी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी और वो अचानक से रुक गया। उसने छुपकर जब ईशानी को देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू भर गए। विराज ने सोचा, नहीं ये वो नहीं हो सकती, ये बस एक कोइंसिडेंस है, उसे पहचानने में मेरा दिल गलती नहीं कर सकता। नहीं ये वो नहीं है। विराज उल्टे पांव अपने कमरे में चला गया। उस गाने को ईशानी के मुंह से सुनने के बाद विराज पिघल गया था। जिस विराज को उसने बरसों से अपने अंदर दफन कर रखा था वो ईशानी के गाने से बाहर निकल आया था। विराज की आंखों में आंसू थे। वो कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। तभी उसके फोन पर ईशानी का कॉल आया। ये मेरे ही घर में होकर मुझे क्यों कॉल कर रही है, कहीं कुछ? विराज ने घबराते हुए जब ईशानी का फोन उठाया तो उधर से ईशानी रोते हुए बोली, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज बचा लीजिए मुझे, वरना ये मुझे। क्या वक्त रहते विराज पहुंच पाएगा ईशानी के पास? विराज की तलाश क्या ईशानी पर होगी खत्म? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर माई सीक्रेट हस्बैंड। फोन कॉल पर ईशानी की घबराई आवाज सुन विराज किचन में दौड़ा चला आया। वहां आकर उसने देखा कि ईशानी किचन में कॉकरोच से डरकर यहां वहां भाग रही थी। विराज ने किचन के एक कैबिनेट से कॉकरोच किलर स्प्रे निकालकर कॉकरोच पर छिड़क दिया और ईशानी पर बरस पड़ा। तुम्हें कॉकरोच से डर रही थी? सीरियसली? ओ गॉड, क्या लड़की हो तुम, मुझे लगा कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन तुम तो ओ गॉड, एक तरफ जिससे सारी दुनिया डरती है उस विराज ओबेरॉय से तुम लड़ जाती हो और दूसरी तरफ तुम एक मामूली कॉकरोच से डरती हो। ईशानी ने विराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर ओबेरॉय, मुझे लगा था कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। ईशानी की मीठी आवाज से एक प्यार भरा थैंक यू सुन विराज का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। एक शब्द भी और बोले बिना विराज पलट कर वहां से जाने लगा। तभी ईशानी ने उससे पीछे से कहा, मिस्टर ओबेरॉय। ईशानी की आवाज सुनते ही विराज के बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। कुछ सेकंड्स के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और पलटते हुए एक भारी आवाज के साथ कहा, हाँ मिस ईशानी, बताओ अब क्या हुआ? मिस्टर ओबेरॉय, मैंने हमारे लिए खाना बनाया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर से लाकर कुछ खा पाऊँ, तो आपके किचन में ही खाना बना लिया। विराज ईशानी के पास पैसे ना होने वाली बात से हैरान रह गया, क्योंकि विराज ने कुछ देर पहले ही ईशानी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। उसने हैरानी से ईशानी से पूछा, पैसे नहीं है? अभी तो कंपनी ने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे। ईशानी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो खर्च हो गए, आप वो सब छोड़िए, चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। विराज ने भी बात को नहीं खींचा और खाना खाने बैठ गया। वैसे खाने में कोई टेस्ट तो नहीं था, मगर फिर भी ईशानी को वो गाना गुनगुनाते सुनकर मोम की तरह पिघल चुका विराज खाते ही चला गया। ईशानी ने विराज को आराम से खाता देख खुद ही पूछ लिया, मिस्टर ओबेरॉय सब्जी में नमक कम है लेकिन आप फिर भी खाए जा रहे हैं? विराज ने कहा, नमक छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अपने काम में अच्छी हो लेकिन क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम चुपचाप थप्पड़ कैसे खा सकती हो ईशानी? ईशानी ने खाना छोड़कर एक लंबी और गहरी सांस ली, फिर विराज से कहा, मिस्टर ओबेरॉय मैं एक छोटी मोटी स्टाइलिस्ट हूँ, अगर मैं नायरा जैसे लोगों को जवाब देने लगूंगी तो काम किसके साथ करूंगी? मुझ जैसे छोटे इंसान के लिए काम कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से। विराज आज तक अमीर घरों की लड़कियों से मिला था जो खुद की खुशी के लिए कुछ भी करती थी, लेकिन ईशानी उन सबसे अलग थी। उसे हर रोज थोड़े से पैसों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी जल झेलनी पड़ती थी। ईशानी की बातें सुनकर विराज ने तुरंत उसे एक अच्छा और बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, मिस ईशानी मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन तुम अलग हो और टैलेंटेड भी, इसीलिए तुम चाहो तो मेरी पर्सनल हेड स्टाइलिस्ट बन सकती हो, तुम्हारी पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए होगी, क्या कहती हो? 2 लाख सुनकर ईशानी की आंखें चगमगा उठी। उसने विराज की बात दोहराते हुए दोबारा कहा, कितना? 2 लाख पर मंथ? इतनी होती भी है किसी की?
इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर तुम अच्छा काम करती रहो तो। इतनी सैलरी में तो मैं करण भाई के लिए एक अच्छा सा घर ले सकती हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करा सकती हूँ और एक साल में कर्ज चुकाने के बाद भी बहुत सारा पैसा बचा सकती हूँ। ठीक है मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। गुड डिसीजन मिस ईशानी, चलो फिर कल से काम स्टार्ट करते हैं। अब रात काफी हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें निकलना चाहिए, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। ईशानी जल्दी से खाना खाकर थोड़ा खाना अपने भाई करण के लिए पैक कर विराज के घर से निकल गई। अपने फ्लैट पर आकर उसने देखा कि करण ईशानी का वेट करते करते सो चुका था। ईशानी ने टेबल पर बैग रखा और करण के सिर के करीब जाकर बैठ गई। करण के बालों को सहलाते हुए ईशानी ने कहा, सॉरी करण भाई, आज आपको भूखा सोना पड़ा, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। आपकी ईशानी खूब मेहनत करेगी और आपकी सभी तकलीफें दूर कर देगी। ईशानी ने विराज की कंपनी में काम करके कुछ ही महीनों में काफी पैसे कमा लिए, इतने कि उसने दिल्ली की एक मशहूर बिल्डिंग में एक फ्लैट रेंट पर ले लिया, जहां ईशानी के जाने के बाद भी करण सेफ रह सकता था। डॉक्टर ने ईशानी से कहा था कि करण को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाया करे, इसलिए ईशानी करण को लेकर बाहर घूमने निकली। बाहर की दुनिया को देखकर अंधेरे में रहने वाला करण छोटे बच्चों की तरह डरने लगा। ईशानी ने करण का हाथ पकड़ा और उससे समझाते हुए कहा, आपकी ईशानी ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको कुछ नहीं होगा करण भाई, प्लीज मत डरो आप। वो देखो वो छोटा बच्चा कैसे बॉल से खेल रहा है, आप भी खेलोगे? करण ने एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, करण को घर जाना है, घर जाना है करण को, करण को डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ईशानी ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा चलो हम उस बेंच पर बैठते हैं, वहाँ पपीज है, आपको पपीज पसंद है ना? करण ने एक डरे सहमे बच्चे की तरह दोबारा कहा, नहीं करण को डर लग रहा है, ईशानी चलो चलो घर। करण बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो बहुत डर गया था। ईशानी ने सोचा कि कहीं डर से करण की तबीयत और न खराब हो जाए, इसीलिए वो उसे लेकर तुरंत घर आ गई। घर में आते ही करण ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ईशानी ने करण को समझाते हुए कहा, करण भाई प्लीज दरवाजा खोलो, देखो आपकी ईशानी सॉरी बोल रही है। करण ने गुस्से में ईशानी से कहा, नहीं ईशानी गंदी है, गंदी, करण कट्टी है ईशानी से, कट्टी। ईशानी करण को मनाने का तरीका जानती थी, इसलिए करण से दरवाजा खुलवाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। चोट लगने का नाटक करते हुए ईशानी कहने लगी, आउच करण भाई, आपकी ईशानी को चोट लग गई। ईशानी को चोट लगने वाली बात सुनते ही करण ने झट से दरवाजा खोल दिया और घबराते हुए कहा, दिखाओ दिखाओ चोट लगी ईशानी को, कहाँ लगी, दिखाओ चोट दिखाओ। ईशानी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दिल में चोट लगी है, ऐसे नहीं दिखेगी आपको। जब भी करण भाई ईशानी से नाराज हो जाता है तो ईशानी को दिल में चोट लगती है और बहुत दर्द भी होता है, इसलिए आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी ईशानी से नाराज नहीं होंगे। करण ने मासूम बच्चे की तरह, ओके ईशानी जैसा तुम कहो। करण सब कुछ भूल कर अपनी ड्राइंग बुक में लाइंस ड्रॉ करने लगा। ईशानी करण के लिए फ्रूट्स काट कर ले आई और वहीं बैठकर करण के बनाए ड्राइंग और बुक्स देखने लगी। उन नोटबुक्स में ईशानी को कुछ ऐसा मिला जो उसकी सोच से परे था। हैरान ईशानी ने करण से पूछा, करण भाई क्या ये आपने लिखा है? करण भाई मेरी तरफ देखिए, क्या ये आपने लिखा है? करण के हाँ में सिर हिलाते ही ईशानी और भी हैरान हो गई, क्योंकि करण ने बुक में जो कोट्स लिखे थे वो अलग ही लेवल के थे। ईशानी ने लैपटॉप उठाया और करण के लिखे कोट्स को टाइप करने लगी। देखते ही देखते ईशानी ने उस कोडिंग की मदद से अपने ही फ्लैट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। ईशानी समझ गई कि ये उसकी बिल्डिंग का मैप है। इससे पहले कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम को कुछ पता चलता, वो जल्दी से कोडिंग से बाहर निकल आई और उसने झट से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर ईशानी ने करण के पास आकर पूछा, करण भाई कहाँ से सीखा आपने ये सब? मैंने आपको हैकिंग की बुक्स तो नहीं दी थी? ईशानी के पूछने पर करण ने सामने टेबल पर रखी बुक की ओर इशारा किया। ईशानी ने झट से बुक को उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। बुक्स के सबसे लास्ट पेज पर ईशानी और सिद्धार्थ का नाम लिखा था। वो समझ गई कि ये बुक सिद्धार्थ की है। ईशानी ने उस बुक को अपने कबर्ड में रख दिया और करण को समझाने लगी, करण भाई इधर मेरी तरफ देखो आप पहले। करण भाई मैंने कहा ना मेरी तरफ देखो। भाई ये सब आपके लिए नहीं है, आप ऐसी बुक्स मत पढ़ा करो। प्रॉमिस मी कि आप आज के बाद इस बुक को कभी हाथ नहीं लगाओगे। ईशानी के कहने पर करण मान गया
और वापस से अपनी ड्राइंग बनाने में लग गया। ईशानी ने चेयर पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली और फिर भगवान से कहा, कैसे कैसे खेल दिखाते हो भगवान, मेरे करण भाई बहुत ही मासूम और भोले हैं, उनको इन सब में मत उलझाओ। करण की इस अनोखी काबिलियत को देखकर ईशानी के दिल में एक डर ने अपना घर बना लिया। उसने सोचा अगर किसी और को करण भाई के इस टैलेंट का पता लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुझे दुनिया से करण भाई के इस टैलेंट को छुपाए रखना होगा और अपने से भी। ईशानी उस रात करण के लिए परेशान होती रही और अगले दिन से अपना पूरा फोकस करण की देखभाल और अपने करियर पर लगाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर एक दिन ईशानी के फोन पर विराज का मैसेज आया, मिस ईशानी हमें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा, मेरा एक इवेंट है, तुम भी साथ चलोगी, स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स, हम दो दिनों के अंदर कभी भी निकल सकते हैं। ईशानी विराज का मैसेज पढ़कर बौखला गई क्योंकि वो करण को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। तभी उसे याद आया कि दिल्ली में एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को सभी तरह की मेड प्रोवाइड कराती है। ईशानी ने एक पल भी जायज किए बिना उस कंपनी में कॉल लगाया और पूछने लगी, हेलो क्या मुझे एक स्पेशल केस के लिए मेड मिल सकती है? दूसरी तरफ से महिला ने जवाब दिया, जी मैम हमारी कंपनी सभी तरह की मेड प्रोवाइड कराती है, बस आपके चार्जेस और फीस अलग अलग है। तभी ईशानी ने कहा, उसकी टेंशन आप ना ले, आप बस ये बताइए कि मेड कब से आ सकती है। मैम कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसे आप एक बार ऑफिस आकर पूरी कर दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत मेड मिल जाएगी। ईशानी ने कैलेंडर की ओर देखा और कहा, ठीक है मैं कल ही आ जाती हूँ, प्लीज आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। कुछ देर में ही ईशानी के फोन पर उस ऑफिस का एड्रेस आ गया जहाँ उसे जाना था। ईशानी मैसेज देखने के बाद बेड पर फोन रखकर इवेंट के लिए पैकिंग करने चाह ही रही थी कि फिर से उसका फोन बज उठा। ईशानी ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मॉम मालिनी मेहता की आवाज आई, कैसी हो ईशानी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि कॉल कर लूं। वाह मॉम, इतने दिनों में तो कभी आपको मेरी याद नहीं आई, फिर आज अचानक, मालिनी ने बात को घुमाते हुए कहा। कब आई, क्यों आई, कितनी आई, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलने आना है। जहाँ भी रहती हूँ आपको तो कतई नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने जो करण भाई के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, मालिनी ने धमकी भरी आवाज में कहा। तुम तो जानती हो मेरे कितने सारे कॉन्टेक्ट है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, जैसे ये पता लगा लिया कि तुम अब ओबेरॉय मैंशन में नहीं रहती। मालिनी की धमकियों से ईशानी डर गई क्योंकि वो अपनी मॉम मालिनी मेहता की रग सारे कॉन्टेक्ट है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, जैसे ये पता लगा लिया कि तुम अब ओबेरॉय मैंशन में नहीं रहती। मालिनी की धमकियों से ईशानी डर गई क्योंकि वो अपनी मॉम मालिनी मेहता की रग रग से वाकिफ थी, अगर वो कुछ चाह ले तो करके ही रहती है। अगर मॉम मेरे इस फ्लैग का पता लगा लेगी तो वो करण भाई को फिर से हर्ट करेगी, मुझे किसी भी हालत में उन्हें ऐसे करने से रोकना होगा, पल भर के लिए सोचा और तुरंत जवाब दिया, मॉम ठीक है आपको मुझसे मिलना ही है तो मैं अपना एड्रेस भेज देती हूँ। ईशानी ने ये कहकर फोन कट कर दिया और अपने सीक्रेट हस्बैंड के उस विला का एड्रेस सेंड कर दिया जहां उसको शादी करके लाया गया था। उधर एड्रेस देखने के बाद शीना ने अपनी मॉम मालिनी से कहा, अच्छा हुआ मॉम कि आपके दोस्त ने हमें बता दिया कि ईशानी मेड ढूंढ रही है, वरना हम तो जान ही नहीं पाते कि ईशानी के पास पैसे आ गए हैं। मालिनी ने शीना को जवाब देते हुए कहा, शीना हम कल सुबह ही उसके दिए एड्रेस पर जाएंगे, हम भी तो देखे जरा उन ओबेरॉय ने ईशानी को ऐसा कौन सा खजाना दे दिया कि वो मेड रखने चली है। अगली सुबह होते ही मालिनी और शीना अपनी कार से ईशानी के दिए एड्रेस की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जब शीना और मालिनी विला के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ईशानी किचन में चाय बना रही थी। शीना ने ईशानी का मजाक बनाते हुए कहा, लो मॉम हमने तो सोचा था कि ओबेरॉय इसे रानी बनाकर रखते होंगे, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, इस ईशानी को तो इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रखा है। मालिनी शीना की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी लालच भरी निगाहें और पूरा ध्यान घर की बेशकीमती चीजों पर था। मालिनी ने एक सिल्वर प्लेट उठाई और अपनी आंखों को ईशानी की ओर घुमाकर पूछा, ये तो काफी महंगा होगा, दिखने में तो चांदी का लगता है। नहीं मॉम ये सब नॉर्मल बर्तन है। तभी शीना दौड़ते हुए ईशानी के रूम में पहुंच गई और वहां से चिल्लाते हुए बोली, मॉम यहाँ आओ, इस ईशानी का कमरा यहाँ है, यहाँ तो पक्का कुछ मिल ही जाएगा। मालिनी भी दौड़ी दौड़ी ईशानी के कमरे में चली गई।
ईशानी उन दोनों की आंखों में पल रहे लालच को देखकर हैरान परेशान थी। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो अम्मा अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ महीनों के लिए गांव चली गई है और नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी, वरना मॉम और शीना की लालची देवर को देखकर ना जाने क्या सोचते वो लोग। ईशानी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कमरे से शीना की चीख की आवाज आई। ईशानी उस आवाज को सुनकर अपने कमरे की ओर भाग पड़ी। उसने देखा कि शीना एक फ्लावर पॉट को हाथ में लिए उछल रही थी। मॉम, मुझे डायमंड का फ्लावर पॉट मिला, ये देखो। मालिनी ने जब उस पॉट को हाथ में लेकर देखा तो उसने अपना मुंह सड़े हुए केले के छिलके की तरह सड़ा लिया और फिर ईशानी की ओर मुंह घुमाकर बोली, ये सब क्या है ईशानी? तुम ओबेरॉय खानदान की बहू और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, और ऊपर से इस सुनसान बंगले में अकेले छोड़ दिया। और तुम शीना, तुम्हें डायमंड और कबाड़ में फर्क भी मुझे ही समझाना होगा। शीना को जब पता चला कि फ्लावर पॉट नकली है तो उसका मुंह उतर गया और उसने गुस्से से दरवाजे पर खड़ी ईशानी को देखकर कहा, बहुत हुआ, चलो ईशानी अब तुम चुपचाप मेरी मॉम के गहनों के पैसे निकालो। ईशानी ने हैरानी से पूछा, गहने? कौन से गहनों की बात कर रही हो शीना? शीना ने आग बबूला होकर कहा, वही गहने जो तुमने अपनी शादी वाले दिन पहने थे, उसके पैसे तुम्हारे ससुराल वालों को मेरी मॉम ने दिए थे। गहने तो हम नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके पैसे तो तुमसे ले ही सकते हैं। आजकल तुम अमीर जो हो गई हो, अपने पागल भाई के लिए मेड रखने चली हो, जाने कैसे। लेकिन शीना की बात सुनकर ईशानी से रहा नहीं गया और वो गुस्से से मालिनी की ओर देखकर बोली, मॉम क्या आपने एक बार भी पूछा कि करण भाई कैसे हैं? मैं कैसी हूँ? यहाँ चली आई पैसों का हिसाब करने, और हाँ भले ही आपने मेरी शादी पैसों के लालच में कराई थी, लेकिन ओबेरॉय खानदान ने मुझे कुछ नहीं दिया और अपना गुजारा खुद कमा कर करती हूँ। शीना ने ईशानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, चल झूठी, मॉम ये पैसे नहीं देना चाहती इसलिए बहाने बना रही है। ईशानी शीना की बात पर और भी गुस्सा हो गई और बोली, ठीक है आपको मुझ पर यकीन नहीं, कोई बात नहीं, आप गहने के पैसे लेने आई हो ना तो मैं ओबेरॉय खानदान को ही यहाँ बुला लेती हूँ, वो देंगे अब आपको पैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया इस भूतिया हवेली के सिवा। ईशानी ओबेरॉय के यहाँ कॉल लगा दी। उससे पहले ही मालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शीना को कसकर तमाचा जड़ दिया। आखिर मालिनी ने अपनी लाडली शीना को तमाचा क्यों मारा? क्या ईशानी समझ पाएगी अपनी मॉम और शीना की नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।